morning. Good morning. Yes, sir. Indirect tax. Indirect tax for CA final. Or CS final. Or CMA final. I, C. Ashan Mangal. Faculty for indirect tax. इंडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्यों होता है, कौन कौन से लॉज हमारे कोर्स में है, लेट्स बिगिन विद दिस इंडायरेक्ट टैक्स। यार सबसे पहले बात करते हैं हम इंडायरेक्ट टैक्स। यह हियर फॉर इंडायरेक्ट टैक्स ना, पक्का? यस सर। इंडायरेक्ट टैक्स ये क्या होता है यार, क्या होता है इंडायरेक्ट टैक्स? सबसे पहली बात हम ये करेंगे। अच्छा यार सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले इंडायरेक्ट टैक्स कभी नाम सुना है? अरे नाम तो सुना होगा। अरे फाइनल में नहीं आईपीसी में तो सुना होगा आपने, आईपीसी में पढ़ा होगा ना यार इंडायरेक्ट टैक्स। यस थोड़ा बहुत आइडिया कुछ तो आता होगा, ऑफिस में क्या होगा काम आता है प्लीज भूल जाना। सर यहां मैंने अजम्पशन लिया है कि इंडायरेक्ट टैक्स का आई भी आपको नहीं आता है। वी आर रीडिंग इंडायरेक्ट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ भी नहीं आता है, केवल आप ब्लैंक को सर जो आता है मेरे को आता है, आपको कुछ नहीं आता है। क्लियर? पॉइंट इज दैट इसका मीनिंग ये है कि यहां जो हम पढ़ेंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल टॉप एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ कॉन्सेप्चुअल मैनर, प्रैक्टिकलिटी के साथ में कैसे अप्रोच करना है चीज को, कैसे पढ़ना है, वो सब हमें पढ़ना है। हम सब हमें वो सारी चीजें देखनी है। हमें ये नहीं लेना है कि आपको आता होगा और फिर मैं उसको फिनिशिंग दे रहा हूं। नहीं सर, आपको कुछ भी नहीं आता है। ओके पक्का? लेट्स बिगिन विद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यार, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले मुझे बताओ, देयर आर सम टैक्सेस व्हिच आर डायरेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है यार? ये डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? पहले बात ये कर लेते हम कि यार पहले बात करते हैं हम ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आखिर क्यों होता है, क्या चीज है ये? राइट फ्रॉम द बेसिक्स शुरू करते हैं बेसिक्स से सर, कि क्या चीज है आखिर ये, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सर सबसे पहली बात है ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हाँ सर, सबसे पहला पॉइंट मेरा आपसे ये है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर सवाल आता है ये डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, डिफाइन करने से पहले मुझे बताओ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट छोड़ो, मुझे बताओ पहले टैक्सेस क्या होते हैं यार, ये टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट टैक्स तो होता है क्या सर, जो डायरेक्टली जो पर्सन इसको बोन कर रहा है, जिसकी पॉकेट से टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उससे टैक्स कलेक्ट कर रही है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपसे कलेक्ट किया और फिर गवर्नमेंट को पे किया, मतलब टैक्स लेगा कौन अल्टीमेटली? गवर्नमेंट। देने वाला कौन? गवर्नमेंट। सर सुनना बात ध्यान से, साहब टैक्स का बर्डन देने वाला कौन है? गवर्नमेंट दे रहा है आपको बर्डन, पर सर सुनना अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है। ले किससे रहा है? आपसे ले रहा है। किसकी पॉकेट से गया है? आपकी पॉकेट से गया है। पर क्या डायरेक्टली आपसे ले रहा है? नहीं, थ्रू सम मीडिया ले रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स वोडाफोन, साहब वोडाफोन की सर्विस में क्या लगता है? सर्विस टैक्स लगता है साहब, देखा होगा आपने। अब साहब क्या आपने सर्विस टैक्स वोडाफोन को डायरेक्टली दिया है क्या? हाँ सर, वोडाफोन को दिया है। क्या आपने टैक्स जो वोडाफोन को दिया है, क्या वो वोडाफोन ने आपसे लेके अपने पॉकेट में डाल दिया है? नहीं सर, वोडाफोन ने वो टैक्स आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया है। तो अल्टीमेटली टैक्स किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। कहा गया? गवर्नमेंट के पास। दिया किसने? आपने। सर देने वाले आप, लेने वाला वो, पर सर डायरेक्टली उसने आपसे नहीं लिया, उसने वोडाफोन के थ्रू लिया। क्लियर? दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझे? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपकी इनकम आपसे टैक्स, दैट आप टैक्स दे रहे हो। क्लियर? जिस पे बर्डन जा रहा है और जो पे कर रहा है बोथ आर सेम पर्संस। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में साहब जो पर्सन गवर्नमेंट को पे कर रहा है
और जो पर्सन उसका बर्डन बोन कर रहा है होता है डिफरेंट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन ने गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स पे किया है, आपने पे नहीं किया है. टैक्स दिया किसने गवर्नमेंट को? वोडाफोन ने. पर क्या उसकी पॉकेट से दिया है क्या? नहीं, उसने आपसे लेके फिर गवर्नमेंट को दिया है. मतलब टैक्स का बर्डन उसने आप पे शिफ्ट किया है. सर अल्टीमेटली टैक्स देने वाले आप, लेने वाला गवर्नमेंट. पर गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं लिया, थ्रू सम मीडिया लिया, इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है सर, अब ये डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो बात की बात है और डिस्कशन करेंगे इस पे हम. पहले मुझे बताओ ये टैक्सेस क्या होता है. माय फर्स्ट पॉइंट इज ये टैक्सेस क्या होता है साहब. टैक्स क्या होता है साहब? टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट. अरे टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. पक्का? अब साहब मेरा क्वेश्चन आपसे आता है, व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट कौन है साहब? पॉइंट मेरा आपसे ये है, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ पॉइंट अराइजेस, हु इज द गवर्नमेंट? किसको कहेंगे गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट कौन है? यस सर, पॉइंट मेरा पहले आपसे ये है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो बात की बात है. पहले मुझे बताओ ये गवर्नमेंट कौन है सर, फिर बात करेंगे आगे. हाँ सर, हु इज द गवर्नमेंट? कौन है गवर्नमेंट? बीजेपी, कांग्रेस? कौन है सरकार? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक. कौन है गवर्नमेंट बताओ मुझे? गवर्निंग बॉडी. आप एक सिंपल टर्म में डिफाइन करना हो हु इज गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे आप? आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, मैं हूं गवर्नमेंट, हम सब मिलके क्या है? गवर्नमेंट है. क्यों? हिंदुस्तान के अंदर क्या है साहब? डेमोक्रेसी है. क्या है जी? डेमोक्रेसी. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा. जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. और इंडिया के अंदर कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा कहेगा वो काम होगा. क्लियर सर? जनता जो कहेगी वो होगा. जो रूल बनाना है जनता बनाएगी, कानून बनाना है जनता बनाएगी, सर रेवेन्यू ऑन करना है जनता रेवेन्यू ऑन करेगी. बात समझे मेरी आप? यस. तो सर गवर्नमेंट कौन है? हम सब लोग है गवर्नमेंट. हम सब ने मिलकर बनाया है गवर्नमेंट को. क्लियर? आप सब गवर्नमेंट है बॉस, हम सब गवर्नमेंट है. क्लियर? अब साहब तो सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह कौन बनाएगा? हम सब मिलकर बनाएंगे. अब हमको रूल्स रेगुलेशन बनाना है. देश में पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 130 crores. अराउंड 130 crore इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अब साहब ये सब लोग मिलके कोई एक्ट बनाएंगे, कोई रूल्स बनाएंगे, सब लोग मिलके एक डिसीजन लेंगे. हाउ इज इट पॉसिबल कि सारे लोग एक साथ खड़े हो जाए? 130 करोड़ जनता कहां खड़ी होगी सर बताओ? कैसे डिसीजन लेंगे बताओ मुझे? इसलिए हम लोगों ने क्या सिस्टम बनाया? हम लोगों ने सिस्टम बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे में से जो वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, वेल डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाले पर्सन, इन सबको हमने क्या किया, हमारे बीच में से इलेक्ट किया. इलेक्शंस किए साहब, इलेक्शन किए और हमने हमारे बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया. हर एरिया में से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए और अल्टीमेटली उन लोगों ने, उन रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड हुए, उन लोगों ने दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट. साहब अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, हमारे बीच में से वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड. सर ये वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड जो आप बोल रहे हो उसमें थोड़ा डाउट है. सर हमने हमारे बीच में से नेता लोग चुने, नेता लोग साहब जो हमको रिप्रेजेंट करेंगे. वो अगर खड़े मतलब हम सब खड़े, वो बोल रहे मतलब हम बोल रहे. तो आप साहब हमने क्या किया, हमने उन सबको इलेक्ट किया. इलेक्ट करके अल्टीमेटली ऑल इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या करा साहब, सेंट्रल लेवल पर एक क्या
फॉर्म कर दिया हमने पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट क्या है सर? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी हमने इलेक्शन से इलेक्ट करके नेता लोग वहां भेजे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे फॉर्म्ड अल्टीमेटली पार्लियामेंट एट सेंट्रल लेवल। अब साहब कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी लो बनाना है, कोई भी लो चेंज करना है, नया लो लाना है, कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगी। चेंज करना है, कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज करेगी। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेशन है साहब। देश की जनता को रिप्रेजेंट कौन करता है? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है साहब। पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब हमने डिसीजन लिया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके कुछ बोल रहा है, मतलब हम सब बोल रहे हैं क्लियर, और वहां मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन होता है साहब। इलेक्शन क्षेत्र जो भी होगा देयर आर रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव लोग क्या करेंगे? मेजोरिटी बेस पर डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन के बेस पर जो लॉ बनेगा दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल इन एंटायर इंडिया। बात समझे मेरी आप? अरे क्लियर? यस सर। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर, अल्टीमेटली इंडिया के अंदर लॉ कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कौन है? हम लोग। मतलब गवर्नमेंट कौन बताना? तो हम सब लोग। लोग कौन बना रहा है? हम सब लोग। चेंज कौन करेगा? हम। तो मुझे बताओ अगर हिंदुस्तान में लोकपाल बिल नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कांग्रेस नहीं जाती है, बीजेपी नहीं जाती है साहब, हम लोग नहीं जाते। आपको 4 साल तक फांसी नहीं हुई सर, आम लोगों को उसने उड़ाया साहब, फिर भी 4 साल तक फांसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने लो बना रखा था क्लियर। जब तक लो को हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ऐसे चलेगा। कितनी कर दो कैंडल मार्च, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्लियर। पर साहब ऐसे ही चलेगा जब तक लो में अमेंडमेंट नहीं हो जाए, और वो कौन कर सकता है? हम लोग ही कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अरे पक्के से? यस सर। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स हैं वो किसके थ्रू चलेंगे? पार्लियामेंट के थ्रू। अरे क्लियर साहब? कोई भी लॉ बनाना है पार्लियामेंट बनाएगी, चेंज करना है पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट मतलब हम लोग क्लियर। तो यार एक तरह से बात करूं मैं अगर इधर, तो देखना ध्यान से, गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है उसको मैं बात करूं, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर। मतलब जो भी होगा पार्लियामेंट के थ्रू होगा, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी पार्लियामेंट के थ्रू लेगी सर। विदाउट पार्लियामेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी कोई भी चेंज, कोई भी लॉ नहीं बना पाएगी, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगी, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी साहब। ऑल पावर्स आर ऑफ पार्लियामेंट। बोलो यस। बात समझे मेरी आप? यस सर। अब साहब मतलब कोई भी लॉ बनाना है कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। चेंज करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। नया लॉ लाना है पार्लियामेंट लाएगी, पुराना हटाना है पार्लियामेंट हटाएगी। लो में छोटा सा भी चेंज करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा साहब। अब साहब पार्लियामेंट हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? संसदीय सत्र कितने होते हैं? देर आर 4 सेशंस इन अ ईयर। 4 सेशन होते हैं सर, 4 पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, 4 सत्र होते हैं क्लियर। लगभग हर सीजन का, हर मौसम का एक सेशन होता है क्लियर साहब। वहां सेशन में सब लोग आएंगे, बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, डिस्कशन करेंगे, वोटिंग के थ्रू डिसीजन होगा। बात समझे मेरी आप? अरे क्लियर। मतलब एवरेज बात करूं तो 2 पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में अराउंड लगभग 2 से 3 महीने का क्या पता है? 2-2.5 महीने का क्या पता है सर? क्योंकि साल में 4 होगी, 4 सेशन है, तो ऑब्वियसली 2 से 3 महीने का गैप होगा सर 2 पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में। अब पार्लियामेंट्री सेशन है, मान लो अभी जस्ट खत्म हुआ साहब, अब नेक्स्ट सेशन कब आएगा? 2-3 महीने में आएगा सर। अब जब पार्लियामेंट्री सेशन आएगा नेक्स्ट, तब साहब तब कोई भी लॉ में चेंज करना है तब कर पाएंगे?
पर इन दोनों के बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, दो पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में कोई इमरजेंसी केस आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पता हो 2011 में शुगर का बहुत जबरदस्त क्राइसिस हुआ था, शक्कर की रेट्स बहुत बढ़ गई थी, रीजन बीइंग वो देश की सारी शक्कर, वो देश का सबसे बड़ा चोर, क्या नाम उसका, यस समझ गया सर, उसे चक्कर में खराब हो गई सारी शक्कर खराब। अब साहब स्टोकिस्ट के चक्कर में सारी शुगर इंडिया की खराब हो गई, बहुत कम शुगर बची है। अब साहब सप्लाई कम हो गई, डिमांड तो उतनी की उतनी है, अब रातों रात शुगर तो साहब प्रोडक्शन होगा नहीं, उसका टाइम लगेगा, तब तक क्या करें, तब तक क्या करें, ये शुगर तो बेसिक नेसेसिटी की चीज है। अब तुम खुद देख लो साहब, डिमांड उतनी की उतनी, सप्लाई कम, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ा बेसिक नेसेसिटी वाली चीज का तो इकोनॉमी की तो बैंड बच जाएगी सर, इकोनॉमी खराब, साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन आएगा तब तक तो साहब लोग क्या शुगर नहीं खाएंगे, तब तक दो महीने तक चाय में नमक डालेंगे क्या, डालेंगे तो शक्कर ही, अब क्या करें। इसलिए लॉ में इमीडिएटली अमेंडमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसे केस में, डोमेस्टिक मार्केट में शक्कर नहीं है तो इमीडिएटली उसके इंपोर्ट को प्रमोट करेगी, इंपोर्ट को प्रमोट करेगी ना सर, बाहर से मंगाओ शुगर, अब बाहर से मंगाना है, उसको प्रमोट करना है, तो क्या उस पर हेवी कस्टम लगाना चाहिए, कस्टम माफ कर देगी गवर्नमेंट, कम कर देगी सर, अब कस्टम माफ करना है या कस्टम कम करना है, रेट कम करनी है उसकी, तो क्या करना है, लॉ में अमेंडमेंट करना है। अब लॉ में अगर अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट रिक्वायर्ड है, अब पार्लियामेंट रिक्वायर्ड अगर है तो साहब यहाँ पे कोई नायक बैठा है क्या, अनिल कपूर, कि मेरे को कल दिन में 2 बजे तक हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, भले उड़ के आए, तैर के आए, कैसे भी आए, ऐसा तो होता ही नहीं इंडिया में, वो पार्लियामेंट सेशन जब होगा तभी होगा सर, वो केवल मूवीज में होता, नायक मूवी में बस, बाकी नहीं होता सर। यार अब करे तो क्या करे, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, और पार्लियामेंट्री सेशन तो बाद में आएगा 2 महीने बाद, इमीडिएटली भी हो नहीं सकता, तो करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, बात समझे मेरी आप, अरे बात समझे। अब साहब क्या करेंगे, इसलिए फंस गए साहब, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने जब एक्ट बनाया, कानून बनाया, रूल्स बनाया, तब कुछ सेक्शंस ऐसे इंसर्ट किए जिसमें हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट के सैंक्शन के ही आप अमेंडमेंट कर सकते हो, कुछ पावर्स को हमने डेलीगेट किया हुआ है, कितने पावर्स को, ओनली सर्टेन पावर्स आर डेलीगेटेड, क्लियर। इसलिए देखना कई बार अमेंडमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट आए थे विदाउट सेंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, देखो ध्यान से, क्लियर। इसलिए गवर्नमेंट के जो पावर है वो पार्लियामेंट्री पावर तो ही है, सर्टेन पावर्स आर डेलीगेटेड पावर्स, सर्टेन पावर्स आर डेलीगेटेड पावर्स, और इन डेलीगेटेड पावर्स को यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, वो अमेंडमेंट्स कर सकती है डायरेक्टली विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। और ऐसे सेक्शन हमने इंसर्ट किए बॉस, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 5A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट हमने इंसर्ट किया है, उसमें हमने लिखा उस सेक्शन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट एग्जिमिशन टू एनी ऑफ द गुड्स, मतलब गवर्नमेंट किसी भी गुड्स पे एक्साइज क्या कर सकती है, माफ कर सकती है, ये पावर दिया हमने सेक्शन 93 अंडर सर्विस टैक्स फ्रेंड्स एक्ट 1994 का सेक्शन 93 में बोला है कि गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जिमिशन टू एनी ऑफ द सर्विसेज सेक्शन, तब इस तरह के सेक्शन हमने बनाया है, हर एक्ट में देखना आप, हर एक्ट में देखना, भले कंपनीज एक्ट पढ़ो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ो, कोई भी एक पढ़ो, आपको कई सारे सेक्शन मिलेंगे कि साहब
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, बोर्ड हैज पावर, बोर्ड मतलब सीबीसी इनडायरेक्ट टैक्स में, क्लियर सर, आपके डायरेक्ट टैक्स में सीबीडीटी, तो साहब दे हैव पावर, तो ये पावर्स हमने डेलीगेट किए है, सेक्शन बनाए, रूल्स बनाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, बात समझे, इसलिए आप देखना साहब अमेंडमेंट जो आते हैं ना लॉ के अंदर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह में, केवल बजट में नहीं आते अमेंडमेंट, साल भर अमेंडमेंट कई सारे आते हैं बीच बीच में, बजट तो साल में एक बार आता है, फिर भी कई सारे अमेंडमेंट आते हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर थ्रू डेलीगेटेड पावर्स, थ्रू डेलीगेटेड पावर्स, बात समझे, अब समझे बात, इसलिए आप लोगों के जिनका नवंबर 15 एग्जाम है, जिनके नवंबर 15 एग्जाम है, आईसीआई का पॉलिसी है कि 6 मंथ पहले तक का एग्जाम मंथ से बिफोर 6 मंथ मतलब अप टू 30th April 2015 जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, ऑल सच अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर नवंबर 15 एग्जाम्स, एंड इफ यू आर अपीयरिंग फॉर सीएस और सीएमए, वो एग्जाम दिसंबर में होता है, तो उनके लिए 31st ऑफ मई 2015 तक जो अमेंडमेंट्स होंगे 2011 सीएस और सीएमए वालों के लिए 31st ऑफ मई 2015 तक, क्लियर पक्का, और सर सीए वालों के लिए जिनका नवंबर में एग्जाम है कब तक अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, 30th ऑफ अप्रैल 2015, अब मेरी बात सुनो, तब मेरी बात समझना आप ध्यान से, पॉइंट ये कि मान लो बजट, ये जो बजट होता ना सर, बजट सर जब भी फाइनेंस बिल आता है, जब भी फाइनेंस बिल आता है तो साहब वो बिल होता है, क्या होता है वो बिल सर, वो प्रपोज्ड होता है, और जब वो बिल पार्लियामेंट में रखते हैं और जब वो पास हो जाता है बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, तब वो एक्ट बनता है, तब वो एक्ट बनता है, कानून तब बनता है साहब, फाइनेंस एक्ट 2015 फॉर एग्जांपल। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, बजट तो आ गया सर अभी, अरे बजट तो आ गया ना सर, पर क्या 30th अप्रैल 2015 तक वो पास हुआ क्या, नहीं हुआ ना, इसलिए वो फाइनेंस एक्ट 2015 आपके सिलेबस में नहीं एप्लीकेबल है, वो अमेंडमेंट्स जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू किए वो एप्लीकेबल नहीं है। और सर ध्यान रखना, देर आर मेनी अमेंडमेंट्स विच आर मेड थ्रू डेलीगेटेड पावर्स, थ्रू डेलीगेटेड पावर्स गवर्नमेंट कई सारे नोटिफिकेशंस इश्यू करती है, कई सारे ऑर्डर्स इश्यू करती है, कई सारे सर्कुलर्स इश्यू करती है, क्लियर सर, नोटिफिकेशंस के थ्रू जो अमेंडमेंट किए गवर्नमेंट ने थ्रू डेलीगेट पावर, ऑल सच अमेंडमेंट्स विच आर मेड एप्लीकेबल अप टू 30th अप्रैल विल बी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। मई 15 एग्जाम के लिए 31st अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं सर, तो आपके नवंबर 15 एग्जाम में ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड बिटवीन 1st ऑफ नवंबर 2014 अपटिल 30th ऑफ अप्रैल 2015 आर रिलेवेंट फॉर नवंबर 15 एग्जाम्स, क्लियर, तो दीज आर अमेंडमेंट्स विच आर मेड एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 15 एग्जाम्स। ओके सर, अब बात आती है, अमेंडमेंट्स कैसे होते समझना है आपको, केवल फाइनेंस बिल के थ्रू नहीं होते, डेलीगेट पावर के थ्रू भी होते, इसलिए हर 6 महीने में हमारी बुक का नया एडिशन आता है, हर 6 मंथ में बुक का नया एडिशन आता है, रीजन बिंग अमेंडमेंट हुए सब, और अमेंडमेंट साल में एक बार नहीं होते सर, कई बार होते हैं, ओके, इनफैक्ट रोज होते हैं सर कई सारे अमेंडमेंट, ओके, तो वो सब जो 30th अप्रैल तक एप्लीकेबल हो गए वो आपके कोर्स में आएंगे, बात समझे, यस सर, अग्रीड, यस सर। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, 2012 बजट, 2012 वाला बजट जो था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था मई एग्जाम के अंदर कि सर ये बजट हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या, आप साहब उनको कौन समझाए, एक चीज बहुत ध्यान से रखो,
ये फंडा ध्यान रखो कि पार्लियामेंट्री पावर और डेलीगेटेड पावर्स। तो फाइनेंस बिल जब आया था 2012 में, आपको अगर ध्यान हो, उसमें सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट आई थी। नेगेटिव लिस्ट वगैरह जो थी वो सब एप्लीकेबल होता 1 जुलाई 2012 से। पर सर, सर्विस टैक्स की रेट 10% से 12% हुई थी 2012 में। वो कब से हो गई थी? वो 1 अप्रैल 2012 से हो गई थी। सर मुझे बताओ, जब बजट पास हुआ मई मंथ में, तो सर रेट ऑफ सर्विस टैक्स 1 अप्रैल से कैसे चेंज हो गई? सर कैसे चेंज हुई? डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू हुई। तो जो पावर्स गवर्नमेंट को डेलीगेट किए हुए उनके थ्रू वो रेट चेंज कर दिया उन्होंने। पर साहब नेगेटिव लिस्ट वगैरह चेंज, टैक्सेबिलिटी चेंज करने का पावर गवर्नमेंट को नहीं था। इसलिए पार्लियामेंट ने जब सैंक्शन किया, फाइनेंस एक्ट जब पास हुआ, तब साहब वो एप्लीकेबल हुआ और उसमें डेट नोटिफाई करी 1 जुलाई। बात समझे? यस सर। इसलिए कभी ये नहीं कहने का कि बजट हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। सर अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं वो समझना है आपको पक्का? तो इस अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स डिटरमाइन होती है आपकी। अग्रीड? डन सर। अब साहब बात आती है कि इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये समझना है मैटर आपको पक्का। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स, अमेंडमेंट का सिस्टम यही होता है। मैंने पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम आपको समझ दिया। ओके साहब, यहां तक क्लियर है पिक्चर? अब मुझे बताओ, वापस अपने पॉइंट पे आता हूं कि गवर्नमेंट कौन है? हम लोग? अरे कौन है? हम लोग है साहब। अब साहब जब गवर्नमेंट हम है, लो हम बनाते हैं, लो में चेंज कौन करेगा? हम करेंगे। लो हटाएगा कौन? हम हटाएंगे। तो साहब ये टैक्सेस क्या होता है वापस बताना मुझे एक बार। टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन? हम लोग ही। मतलब टैक्सेस क्या हुए सर? हम लोग खुद ही कलेक्ट कर रहे खुद के लिए। ये क्यों आखिर? ये टैक्सेस क्या है सर, क्यों है आखिर? अब ये बात कर लेते हैं। साहब आज मुझे बताओ, आप कहां रहते हो? मान लो आप बेंड्रा रहते हो, हमारी क्लास है अंधेरी में। आपको बेंड्रा से अंधेरी आना है, रोड नहीं होती, जंगल होता, आप आए थे? नहीं आ पाते। आप आ पाते? नहीं सर। अब अंधेरी टू बेंड्रा हमें रोज काम पड़ता है और सबको काम पड़ता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर क्या किया? क्या आप अकेले जंगल हटा सकते हो? आप हटा सकते हो क्या? साहब बेंड्रा से अंधेरी रोज आपको आना है, क्या आप अपने लिए रोड बनवा सकते हो? नहीं, आप अकेले रोड नहीं बनवा सकते। हमने क्या किया? हम सब लोग मिल गए, हमने कहा हम सबको बेंड्रा टू अंधेरी रूट काम आता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर क्या किया? हम सब लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रिक किया, अमाउंट कॉन्ट्रिक किया, फंड कलेक्ट हो गया, एंड दैट फंड को यूज करके हमने क्या किया? रोड बना दी। बात समझे साहब? वही तो टैक्स होता है, और क्या होता है? आज फॉर एग्जांपल आपको अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना है, क्या रखना है? सिक्योरिटी गार्ड। तो क्या आप अपने लिए रख सकते हो क्या? एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड इट, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड द सिक्योरिटी गार्ड्स। ना आप रख सकते हो अपने लिए, ना मैं रख सकता हूं सर। पर सर सिक्योरिटी जरूरत तो हमें सबको है सर। अब सिक्योरिटी गार्ड हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअली हमारे लिए। तो हमने क्या किया? सबने फंड कलेक्ट किया और पुलिस वाले अपॉइंट कर दिए। क्लियर? उनको सैलरी कौन देता है? हम लोग देते। कहां से देते? उस फंड से देते। वो फंड कहां से आया? वो टैक्सेस के थ्रू आया। तो मतलब अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं तो टैक्सेस क्या है साहब? म्यूचुअल फंड है। टैक्सेस क्या है? म्यूचुअल फंड साहब। हम सबका कंट्री है साहब, टैक्सेस वो है। नाउ टैक्सेस आर द म्यूचुअली कलेक्टेड फंड। अब यार इसके अंदर अगर हम प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं रखते, अभी म्यूचुअल फंड कलेक्ट करने गए हम लोग, एक सेट दे रहा 11 रुपए, एक दे रहा 21 रुपए, एक दे रहा 51 रुपए, बन गई रोड। यार क्या 15 रुपए, 21 रुपए, 20 रुपए इनसे रोड बन जाएगी क्या? इस कारण से हमने क्या किया?
सिस्टम फिक्स कर दिया कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी उसको इतना टैक्स पे करना है, जिसकी इनकम इतनी होगी उसको इतना टैक्स पे करना है, जो एसी खरीद रहा है उसको इतना टैक्स पे करना है, जो साहब बोतल खरीद रहा है उसको इतना टैक्स पे करना है, जो कैमरा खरीद रहा है उसको इतना टैक्स पे करना है, जो मार्केट खरीद रहा है उसको इतना टैक्स पे करना है। दिस इज हाउ हमने सिस्टम फिक्स कर दिया, समझे, और उसका लॉ बना दिया, कानून बना दिया, एक्ट बना दिया, क्लियर, जिसको हम टैक्स लॉज कहते हैं, जिसको हम टैक्स लॉ कहते हैं साहब, टैक्सेशन वो होता है। तो टैक्सेस क्या, अल्टीमेटली टैक्सेस आर द म्यूचुअली कलेक्टेड अमाउंट, क्लियर, किसके लिए, हम सबके वेलफेयर के लिए, हमारे सबके काम आने के लिए। वो बात अलग है कि सर वो फंड काम बहुत कम आता है, क्लियर, काम कुछ लोगों के ही आता है वो, क्लियर, वो एक अलग बात है सर, बात समझे मेरी आप 100%, ओके सर। सर गवर्नमेंट क्या होता समझ में आया आपको, अच्छा मेरे को लगेंगे 10-15 मिनट अभी, पर सर ये सिस्टम जैसे ही क्लियर हुआ आपका उसके बाद देखो कितना सर फ्लुएंटली आपका इनडायरेक्ट टैक्स पूरा खत्म होगा। होता है क्या सर, हम डायरेक्ट चैप्टर 1 शुरू किया, चैप्टर 1 ये कहता है याद कर लिया, चैप्टर 2 ये कहता है याद कर लिया, कभी ये समझने की कोशिश नहीं करी कि वो क्यों हो रहा है, साहब कानून किसने बनाया, हम तो भूल गए सारी चीजें कि हम ही गवर्नमेंट है, ये बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये वो, भूल गए साहब कि हम सब है गवर्नमेंट साहब, क्लियर, देखो ध्यान से साहब गवर्नमेंट क्या होता है क्लियर, टैक्सेस क्या होते क्लियर पक्का। अब साहब क्वेश्चन आता है कि हमें पता है कि टैक्सेस क्या होता है, आपने समझाया कि टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हम लोग ही है, मतलब टैक्सेस म्यूचुअली हमने कलेक्ट किया। अब साहब सीए स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, जब यार ये टैक्सेस हमने बनाए तो इतने कॉम्प्लिकेट क्यों बनाए, कई अटेम्प्ट लग जाते इनको समझने में, जब हम लोगों ने टैक्स बनाया है तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया साहब, कुछ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स, कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें ये प्रोविजन वो प्रोविजन, अरे साहब समझो ध्यान से, क्लियर, उसमें लॉजिक है, देखना ध्यान से साहब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर अगर टैक्सेस हमने बनाए तो ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या होता है सर, कि ये डायरेक्ट टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ऐसा क्यों, क्या है आखिर। तो देखो ध्यान से साहब, हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वापस से बात करता हूं, डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस व्हिच आर कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु बोर्न द बर्डन ऑफ सच टैक्स, वो आगे शिफ्ट नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्सन एंड बोर्न बाय सम अदर पर्सन, थोड़ा ढंग से समझाओ, इनकम टैक्स फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स आपकी इनकम आप टैक्स दोगे, वेल्थ टैक्स आपकी वेल्थ हम आपसे टैक्स लेंगे, दिस आर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली आपसे ले रहे हैं। पर साहब इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जाम्पल अगेन वोडाफोन, यार आप ले लो मार्कर, ये मार्कर मैंने खरीदा ₹25 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इस ₹25 में टैक्सेस इंक्लूड हुआ हुआ है, ₹25 में सारे टैक्सेस इंक्लूड हुए हैं सर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब मुझे बताओ ये 25 में मान लो ₹5 टैक्स लगा हुआ है, ₹5, ये 25 मैंने किसको दिया, सेलर को दिया, शॉपकीपर को दिया, डीलर को दिया सर, तो ये ₹5 जो टैक्स था मैंने डीलर को दिया, क्या डीलर की रेवेन्यू है, क्या डीलर ने अपने पॉकेट में रखा क्या, नेवर, उसने क्या क्या होगा, ये ₹5 गवर्नमेंट को पे किए होंगे, किसको पे किए होंगे, गवर्नमेंट, मतलब वो ₹5 अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से गए, मेरी पॉकेट से गए, पर क्या गवर्नमेंट ने मेरे से डायरेक्टली लिया, क्या मैंने दिया गवर्नमेंट को डायरेक्टली, नहीं सर मैंने डीलर को दिया है और डीलर ने गवर्नमेंट को दिया है, मतलब अल्टीमेटली लेने वाला वो, देने वाले हम, पर उसने डायरेक्टली हमसे नहीं लिया है, थ्रू इंटरमीडियरी लिया है, थ्रू सम मीडिया लिया है, क्लियर, इनडायरेक्टली लिया है हमसे, पर लिया हमसे ही है, इसलिए दीज टैक्सेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर। हाँ सर, अब साहब एक बात और करूंगा,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि बर्डन शिफ्ट होता है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। नहीं साहब, मैं कहता हूं इनडायरेक्ट टैक्स है इसलिए बर्डन शिफ्ट होता है। नजर कैसी बात करते हुए अजीब अजीब साहब, समझना बात। बर्डन शिफ्ट होता है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है इसलिए बर्डन शिफ्ट होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, मान लो मेरी फैक्ट्री है मार्कर की, मंगल्स, यू नो सर मंगल मार्कर्स। अब रोज अभी यही बनेंगे मार्कर्स, ध्यान रखना साहब। मेरी फैक्ट्री है मंगल मार्कर्स की साहब, मैंने मार्कर बनाया। क्या बनाया मैंने? मार्कर बनाया। आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर। मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? एक्साइज लगता है। मान लो ड्यूटेबल गुड्स है, इस पे एक्साइज पे करना है। ये ऐसी गुड्स है जो ड्यूटेबल है, जिसपे एक्साइज लगता है। अब एक्साइज पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट ने मेरे को कह दिया कि मैन्युफैक्चरर यू आर लायबल टू पे एक्साइज, आप एक्साइज पे करोगे। कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर पे करेगा। और सुन, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सुन मैन्युफैक्चरर, तुम ही एक्साइज पे करोगे, भले तुम्हारा कस्टमर तुमको दे या नहीं दे उससे हमको कंसर्न नहीं है, मैं तो टैक्स तुमसे ही लूंगा। क्या कहा गवर्नमेंट ने? लास्ट लाइन में दम था सर। गवर्नमेंट ने कहा मैन्युफैक्चरर को, ओ मैन्युफैक्चरर, मैं टैक्स तुमसे ही लूंगा, तुम भले अपने कस्टमर से लो या मत लो, मैं तो तुमसे ही लूंगा। मतलब मैन्युफैक्चरर को एक्साइज पे करना कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट को। अब साहब मुझे आप बताओ खुद, मान लो आपकी फैक्ट्री है साहब, ये मार्कर की 10 रुपीज इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका, 5 रुपीज आपका मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, समाज सेवा करनी रहे सर, 5 रुपए इसमें टैक्सेस है, मान लो एक्साइज है, मान लो एक्साइज है सर, तो 10 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 5 रुपए मार्जिन 15 रुपीज और 5 रुपए टैक्स 20 रुपए। आप मुझे बताओ, आप साहब कॉस्ट मैनेजमेंट देखते हो मेरा सर, आपकी फैक्ट्री में तो कहता हूं, मुझे बताओ जब इस मार्केट को बेचोगे कितने में बेचोगे यार, कितने में बेचोगे? 20 में बेचोगे ना? अरे कितने में बेचोगे? 20 में। क्लियर? अल्टीमेटली वो एक्साइज जो है वो आपकी कॉस्ट में जुड़ेगा ना? जुड़ेगा, जुड़ेगा सब। अल्टीमेटली आप कस्टमर से लोगे ना यार, तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट अगर नहीं बोलती कि तुम बर्डन शिफ्ट मत करना, अगर गवर्नमेंट बोलती कि तुम बर्डन शिफ्ट मत करना, तो क्या आप शिफ्ट नहीं करते? ऑब्वियसली करते ना सर, बिकॉज दैट एक्साइज विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ योर आउटपुट गुड्स, सेल प्राइस का पार्ट बनेगा यार, अल्टीमेटली हमारी पॉकेट से जाएगा नहीं सर, अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और वो कॉस्ट कौन देगा? कस्टमर देगा। तो मुझे बताओ बर्डन शिफ्ट होता है नहीं होता? ऑब्वियसली होता। तो अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट मना कर दे कि बर्डन शिफ्ट मत करना, तो क्या नहीं करोगे आप? ऑब्वियसली करेंगे सर, ऑब्वियसली करेंगे, हर कोई आदमी करेगा यार, एवरीबॉडी विल डू दिस। क्लियर? तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने कहीं बोला बर्डन शिफ्ट करने के लिए? नहीं बोलते तो भी आप करते सर। इसलिए मैं कहता हूं इनडायरेक्ट टैक्स है इसलिए बर्डन शिफ्ट होता है, बर्डन शिफ्ट होता है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। अच्छा देखा जाए तो बात एक ही है, ज्यादा टेंशन मत लो, बट फर्क इतना ही है कि पापा इसलिए बेटा है, बेटा इसलिए पापा नहीं है, समझे? पॉइंट इतना सा है केवल। बात समझे मेरी आप? यस सर। अब साहब इनडायरेक्ट टैक्स, हु इज लायबल टू पे एक्साइज? मैन्युफैक्चरर। सर्विस टैक्स में सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आपकी इनकम आपके टैक्स, आपकी इनकम आप पे टैक्स, और आपसे गवर्नमेंट लेगी टैक्स। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स में जिसने गुड सेल किया है डीलर, दैट पर्सन इज लायबल टू पे वेट सेल्स टैक्स, बट वो उसकी पॉकेट से पे नहीं करेगा, कस्टमर से लेके फिर पे करेगा। क्लियर? तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया सर कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। अब साहब मेरी बात आती है कि यार सर मैं आपकी बात समझ गया कि कुछ टैक्सेस डायरेक्ट है कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट है। साहब इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे होता है, डायरेक्ट टैक्स में ऐसे होता है, समझ में आया। पर जब टैक्सेस हमने बनाए
ऐसा क्यों किया? कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट इतना पढ़ना पड़ता है साहब, ऐसा क्यों किया? सबको डायरेक्ट रहने देना है सर, सिस्टम एक क्यों नहीं बनाया? अब क्वेश्चन आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। फालतू सर इनडायरेक्ट टैक्स बनाया, आपको देखना पड़ता रोज आके, ऐसा क्यों साहब? इनडायरेक्ट टैक्स साहब ऐसा क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल पेन, ये मार्कर रुपीज 20 का मार्कर है सर ये, इसमें 5 रुपए टैक्स है मान लो, तो रुपीज 25। अगर मान लो इसमें डायरेक्ट टैक्स होता, क्या होता? डायरेक्ट टैक्स कि जो पर्सन इसको परचेज कर रहा है, जो इसको यूज कर रहा है, वो ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। आपने सर पेन परचेज किया, क्या परचेज किया? पेन परचेज किया, 10 रुपए का पेन, इसमें टैक्स कितने होंगे? 2 रुपए होंगे टैक्स, मैक्सिमम 2 रुपए, 3 रुपए। अब साल भर में कितने पेन खरीदोगे आप? 10 पेन, 15 पेन, 20 पेन। अब 20 पेन पर 2 रुपए पर पेन टैक्स है, रुपीज 40। अब 40 रुपए आपको टैक्स पे करना है। मुझे बताओ क्या 40 रुपए जमा कराने के लिए आप एक्साइज में रजिस्ट्रेशन कराते, वेट लॉ में रजिस्ट्रेशन कराते, रिटर्न भरते, पेमेंट करते? क्या पॉसिबल था आपके लिए? नहीं सर। तो आप टैक्स पे नहीं करते, टैक्स चोरी करते। अब टैक्स चोरी करते तो गवर्नमेंट का आपको नोटिस आता है, एज पर आवर रिकॉर्ड्स हमें पता पड़ा है कि आपने 20 पेन परचेज किए, 20 पेन यू हैव परचेज्ड, पर आपने उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया। शो कॉज, कारण बताओ। शो कॉज नोटिस इश्यू होता, शो कॉज वाई ड्यूटी अमाउंटिंग टू रुपीज 40 अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शुड नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम यू। नोटिस इश्यू हो गया साहब, शो कॉज नोटिस, नोटिस आया, आपने क्या इग्नोर कर दिया? हट, कोई रिप्लाई नहीं। डिपार्टमेंट का रिमाइंडर आया कि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया इतने टाइम में तो साहब डिमांड ऑर्डर इश्यू कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ बेस्ट, एज पर आर बेस्ट जजमेंट। हम अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जो हमारे को लगता है कि इतना टैक्स बनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देंगे। रिमाइंडर आया, इग्नोर, कोई टैक्स पे नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया, डिपार्टमेंट ने डिमांड ऑर्डर इश्यू कर दिया कि साहब रुपीज 40 प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, फ्रॉड के केस में पेनल्टी कैन बी मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। टैक्स का अमाउंट है रुपीज 40, पेनल्टी कितना होगा मैक्सिमम 40, तो 80 रुपीज हो गया। 40 रुपए टैक्स का अमाउंट, 40 रुपए पेनल्टी का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, जो भी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकला होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। मान लो वो अमाउंट होता है रुपीज 10, तो टोटल 90 रुपीज का डिमांड ऑर्डर आपको इश्यू हो गया कि साहब इनसे रुपीज 90 रिकवर करना है, अमाउंट ऑफ ड्यूटी प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट एप्लीकेबल एज पर लो। ओके, अब साहब नोटिस डिमांड ऑर्डर आ गया आप पर। डिमांड ऑर्डर जैसे ही आया घर पे या आपके ऑफिस में, इग्नोर, वापस कोई रिप्लाई नहीं। डिपार्टमेंट का नोटिस आया, रिमाइंडर आया कि पे करो नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, अपना जो करना है कर ले जा। अब डिपार्टमेंट वाले रिट मानने आएंगे रिकवरी करने, साहब जीप लेके आएंगे, चार ऑफिसर जीप में बैठ के आए, चार ऑफिसर रिकवरी करो, रेड मारना है साहब। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर आए, आपने बोला क्या हुआ? बोला डिमांड ऑर्डर है, आपने पे नहीं किया, रिकवरी करने आए। आपने जेब से निकाल के दिया 100 रुपए का नोट, ले भैया 100 रुपए, 90 रुपीज है, पे कर देना एंड कीप चेंज। मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए क्या रिकवर करने हर दुकान पे जाएगी क्या? इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कि 2 रुपए 5 रुपए अमाउंट बहुत कम इन्वॉल्व होता है, क्या पॉसिबल है कि हर एक पर्सन से कलेक्ट कर ले? नहीं है पॉसिबल। बात समझे मेरी आप? इस कारण से गुड्स पे जो टैक्सेस है, सर्विसेज पे जो टैक्सेस है, दोज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है। उसमें बोला मैन्युफैक्चरर,
तुम एक्साइज पे करोगे। अब मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे गुड्स बनाएगा, उसको बोले तू ही एक्साइज पे करेगा, भले तू कस्टमर से ले है, मत ले, हम तो तेरे से एक्साइज लेंगे। तब मुझे बताओ गवर्नमेंट काम कितना इजी हो गया यार। अब उसे कलेक्ट कर देगी और उसको बोल दिया है कि तू चाहे तो तेरी सेल प्राइस में ऐड कर दे और अपने बिल में लिखते इतना टैक्स पे किया है वो आपको देना पड़ेगा, एंड दिस इज अलाउड। क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट ने गुड्स पे सर्विसेज पे जो टैक्सेस है उनको क्या कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया। और मैन्युफैक्चरर बोला तुम एक्साइज पे करोगे, सर्विस प्रोवाइडर बोला तुम सर्विस टैक्स पे करोगे, डीलर को बोल दिया तुम वेट पे करोगे, सेल्स टैक्स पे करोगे। बात समझे? एंड दिस इज हाउ इनडायरेक्ट टैक्स इज मेड। अग्रीड? यस सर। अब सर एक फायदा और है इनडायरेक्ट टैक्स में। फायदा क्या है साहब? फायदा क्या है साहब? मुझे बताओ, मैं दुकानदार हूं, मैं डीलर हूं, मुझे पता है कि टैक्स मुझे आपसे देके गवर्नमेंट को देना है, आपसे लेकर गवर्नमेंट को देना है। क्या मेरी जेब से जा रहा है ये टैक्स? नहीं। पर हाँ, अगर मैंने टैक्स चोरी करी, नहीं लिया आपसे, तो डंडे किसको पड़ेंगे? मेरे को पड़ेंगे। गवर्नमेंट रिकवर कैसे करेगी? मेरे से करेगी। तो मुझे बताओ क्या मैं कभी भी टैक्स चोरी करने की कोशिश करूंगा क्या? नहीं। फायदा आपका, चोरी में करूं, रिस्क में लू, डंडे में गाऊ, हट। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स टैक्स इवेजन कम होता है। अरे क्लियर? डायरेक्ट टैक्स में क्या, खुद की इनकम खुद को टैक्स पे करना है, तो आदमी टैक्स बचाने की कोशिश करेगा, खुद का पैसा लग रहा है, रिस्क ले लेगा कि जो होगा देखेंगे, क्योंकि खुद की जेब से जा रहा है। अरे क्लियर? तो साहब बहुत सारे लोगों को दिमाग सवाल आ रहा है कि साहब जब इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी कम है तो इनकम टैक्स को भी इनडायरेक्ट टैक्स कर दो ना सर, हमको तो एक ही पढ़ना रहा। तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं करती है कि इनकम टैक्स को भी इनडायरेक्ट टैक्स कर दे? मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स को भी इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया है, पता है आपको? यस, टीडीएस। क्या है सर टीडीएस? नाम तो सुना होगा अपने फंडा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। क्या होता है ये सर? मैं प्रोफेशनल बिल आपको लिख रहा हूं, प्रोफेशनल सर्विसेज का 10 लाख का बिल लिखा, ऑडिट करी मैंने आपको बिल लिखा रुपीज 10 लाख का ऑडिट फीस, कंसल्टेंसी फीस। तो साहब जिसको सर्विस दी है उसको बोल दिया है कि तुम एक काम करना, ये प्रोफेशनल फीस है, इस पे 10 रुपए टीडीएस काट देना और 10 रुपए टैक्स काट के डायरेक्टली हमको जमा करा देना। तो मेरा टैक्स है वो 10%, कौन डिपॉजिट कर रहा है? सामने वाला। मैं तो डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं अभी। क्लियर? तो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझे मेरी आप? यस सर। फंडा वही है, उसको बोल दिया तुमने अगर टीडीएस नहीं काटा तो तुम्हारा वो इनकम, तुम्हारा जो एक्सपेंस है वो डिस अलाउ कर देंगे, और उसका एक्सपेंस डिस अलाउ कर दिया तो इसकी इनकम बढ़ गई, और इसकी इनकम बढ़ गई तो उससे टैक्स ले लेंगे, मेरे साथ लेंगे लेंगे उसी भी लेंगे। बात समझे? तो अल्टीमेटली उसपे एक तरह से पेनल्टी लग गई वाली। अग्रीड? तो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ टैक्सेस आर मेड। बात समझे मेरी आप? अरे अग्रीड? यस सर। तो आपको अब सर ये सफिशिएंटली समझना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये टैक्सेस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है। बात समझे क्या मेरी आप? पक्का? यस सर। एक बार बोलेंगे सर, सर गवर्नमेंट कौन है? हम लोग। लोग किसने बनाए? हमने। टैक्सेस किसने चार्ज किए? हमने। कौन लेगा? हम लेंगे। किसके लिए लेगा? हमारे लिए लेंगे। किसके काम आएगा? हमारे काम आएगा। सिस्टम क्या है? सर्टेन टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्स, सर्टेन आर इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझे मेरी आप? यस सर। सर एक लास्ट पॉइंट कहूंगा रिगार्डिंग गवर्नमेंट, लास्ट पॉइंट सर। गवर्नमेंट क्या होती है समझ में आया? आप एक और पॉइंट कह देता हूं लास्ट, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वगैरह होते वो कौन होते हैं सर? ये कौन है? लो इसकी बात भी कर लेते हैं एक। अच्छा वो टेक्निकल हाईफाई बात नहीं कर रहे हम, एक सिंपल समझने के लिए बात कर रहे हैं, बेसिक। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप अगर मेरे को समझा रहे हो तो कैसे समझाओगे? बात ही चल रही है साहब। पॉइंट इज दैट कि कैसे पता पड़ेगा कि
दीज टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्स, सॉरी कैसे डिफाइन करोगे ये कोर्ट्स क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कौन है सर पता है? हमने अपॉइंट किए इनको, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हमने अपॉइंट किया है, दे आर वेल एजुकेटेड लोग, उनको लॉ पढ़ना आता है, कानून पढ़ना आता है, हमने उनको कह दिया सुनो ओ हाई कोर्ट ये रहा लो, लो हमने लिख दिया, कानून बना दिया हमने, हमने कहा ये रहा लो पकड़ और सुन इसको पढ़ लेना, लो को पढ़ लेना, और अगर किसी दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो ये लो पढ़ के सॉल्यूशन निकाल देना, और सुन एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना, लास्ट बात दमदार है सर, क्या बोला, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना, मतलब उनको साफ साफ कह दिया है कि लो में जो लिखा है ना वही फॉलो करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना, बात समझे? इट मींस इवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, लॉ में लिखा है 1+1=3 मतलब 3 मानना पड़ेगा, इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि कानून बनाने वाले हम लोग हैं और हमने जो लिख दिया है वो फाइनल है, वही हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, भले वो सही हो गलत हो आपको मानना है, मतलब मानना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स, सर रिलेटिव की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, सर्विस टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, एक्साइज में अलग है, कस्टम में अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग है, आपके देखना आप ध्यान से, कंपनीज एक्ट में अलग है सर, अरे बात समझ रहे हो मेरी आप? यस, क्यों? इनकम टैक्स में अलग, कंपनीज एक्ट में अलग, सर्विस टैक्स में अलग, सर एक्साइज में अलग, कस्टम में अलग, और रियलिटी में कुछ और ही होता है, क्यों साहब? वहां पे डिफाइन कर दिया ये रिलेटिव है तो वही मानना पड़ेगा, नाउ एनीबॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग जब तक कि लॉ में अमेंडमेंट नहीं हो जाए, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उनको रिलेटिव मानेगी भले रियलिटी में रिलेटिव वो आपके हो या नहीं हो। देखो ऐसा इसलिए करते हैं लोग कि जिस एक्ट में जो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट हो जाते कुछ रिलेशन की वजह से, क्लियर सर, उन सब रिलेशंस को रिलेटिव मान के उन प्रोविजन को अप्लाई नहीं करना है, इस कारण से उनको क्या कर दिया, रिलेटिव मान लिया, सडन एक्सेप्शन दिए वहां पे, क्योंकि उन रिलेशन की वजह से आपके ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट होते हैं साहब, तो उन सबको क्या मान लिया, रेस्पेक्टिव एक्ट में रेस्पेक्टिव एक्ट के पर्पस से रिलेटिव मान लिया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, अरे पक्के से? यस सर, इसलिए अगर किसी लॉ में लिख दिया है 1+1=3 मतलब 3 होगा, ध्यान रखना इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, जजमेंट बता दूंगा मैं कि लॉजिक लगता है ये नहीं होना चाहिए पर लॉ में लिखा है मानना पड़ेगा, कसाब को साहब 4 साल तक फांसी नहीं हुई, आप कितना ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सर कैंडल मार्च कर लो नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कितना ही भूखे बैठ जाओ साहब अनशन पे आ जाओ कुछ नहीं होगा, जब तक कि लॉ में अमेंडमेंट नहीं किया है, और लॉ में अमेंडमेंट 1 लाख लोग नहीं करेंगे, 130 करोड़ जनता करेगी, पार्लियामेंट में जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है तब तक कुछ नहीं होगा सर, ध्यान रखना। हमारे लॉ में लिखा था कि कोई भी मुजरिम हो उसको गवर्नमेंट लॉयर देना कंपलसरी है, इसलिए कसाब ने सरे आम लोगों को उड़ाया साहब, फिर भी उसको गवर्नमेंट लॉयर दिया, कोर्ट गलत नहीं था, हमारा लॉ बना हुआ है, क्लियर, एंड इवन दैट कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, बात समझे मेरी आप साहब? लोकपाल बिल नहीं आया हमारी वजह से, नहीं आया हमने पास नहीं किया है, क्लियर, अन्ना अनशन बैठे थे लोकपाल के लिए, अन्ना अगर नहीं उठते रातों रात उठे थे जानो तो तुम्हें, रातों रात अगर नहीं उठते तो साहब उठ जाते, क्यों? उनको बात समझ में आ गई कि अनशन करने से लो चेंज नहीं होगा, पार्लियामेंट में लो पेश करना पड़ेगा, वहां पास कराना पड़ेगा, साहब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजी होने चाहिए, मेजोरिटी से पास होगा, अनशन करने से पास नहीं होता है, बात समझे मेरी? हाँ उसे जनता में अवेयरनेस आएगी नो डाउट, पर साहब लो ऐसे चेंज नहीं होता है, क्लियर, बात समझे मेरी आप? तो आई होप यू गोट द एंटायर आइडिया रिगार्डिंग लो, कि कैसे टैक्स लो बनते हैं, कैसे कोई भी कानून बनता है, कैसे चेंज होता है, गवर्नमेंट कौन होता है, साहब हम सब लोग कौन है, अग्रीड, पक्का? ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, विद दिस इंट्रोडक्शन आई एम बिगनिंग विद माई इनडायरेक्ट टैक्स,
शुरू करें हम? यस सर। तो साहब एज फार एज हमारे सिलेबस की बात करें हम, एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न फॉर सीए फाइनल, सेंट्रल एक्सरसाइज 25 मार्क्स, सर्विस टैक्स 50 मार्क्स, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 25 मार्क्स, टोटलिंग अमाउंट टू 100 मार्क्स। ये हमारा पेपर है, पेपर नंबर 8, सीए फाइनल लास्ट पेपर सर। लेट्स बिगिन विद दिस। शुरू करें हम? क्या शुरू करें बताओ? सबसे पहले सर्विस टैक्स, ओके, एक्साइज, सुनना, सेंट्रल एक्साइज, शुरू कर रहे हम एक्साइज से सर, ओके, सुनना बात को ध्यान से सर, पहले बताओ मुझे ये सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज यार? क्या सर? मतलब सेंट्रल एक्साइज एक्ट है या स्टेट एक्साइज एक्ट है? पॉइंट ये है मेरा। हाँ साहब, सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज? सेंट्रल एक्साइज सर, पहले तो बताओ ये पता कैसे पड़ता है कि ये सेंट्रल एक्साइज है या स्टेट एक्साइज है? सर कैसे पता पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, आपको ध्यान हो अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर आर वेरियस लिस्ट, तीन लिस्ट दी हुई है साहब, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट क्या? सेंट्रल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होंगे, स्टेट लिस्ट में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ये पावर्स होंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है दोनों के कॉमन पावर्स ही होंगे। इनकम टैक्स का लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में, सर्विस टैक्स यूनियन लिस्ट में, एक्साइज यूनियन लिस्ट में, कस्टम यूनियन लिस्ट में, वेट स्टेट लिस्ट में, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट लिस्ट में। इस तरह के कई सारे पावर्स दिए हुए साहब, अग्रीड? यस सर। तो साहब बात कर लेते किसकी, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज? सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज होता ही नहीं है साहब, होता है। देर आर टू काइंड ऑफ गुड्स जिसपे स्टेट एक्साइज चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? स्टेट एक्साइज। दो तरह की गुड्स पर स्टेट एक्साइज चार्ज होता है, वो दो तरह की गुड्स कौन कौन सी है जो आपके काम आती है? फर्स्ट, फर्स्ट क्या काम आता है? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या काम होता है? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेकेंड, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, चरस गांजा वगैरह खाया होगा ना यार, सॉरी सुना होगा ना यार आपने साहब। ये दो तरह की गुड्स कौन कौन सी? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक चीज और ध्यान रखना, एल्कोहल के बहुत सारे यूज है सर, कमर्शियल यूज भी उसके। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होगा उस पर लगता है स्टेट एक्साइज। ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स, चरस गांजा वगैरह, इस पे लगता है क्या? स्टेट एक्साइज। ये दो तरह की गुड्स पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में कि एक्साइज कैन बी चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट दीज टू काइंड ऑफ गुड्स, और स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि इन दो तरह की गुड्स पर स्टेट एक्साइज चार्ज हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कैन चार्ज द एक्साइज। इसलिए इन दो गुड्स पे पावर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है, पर इसके अलावा सारे गुड्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है टू चार्ज द एक्साइज। क्लियर? ओके। अब मेरा एक और पॉइंट आता है, आपने कभी कोरेक्स पी? कोरेक्स अरे दवाई, सिरप, कफ सिरप, कोरेक्स में तो कोई तो पी होगी, इसमें पता है थोड़ा बहुत वो होता है ना, वो बोलता है घर में पापा मना करते हैं शराब नहीं पीना, हम तो कोरेक्स लाके पी लेते हैं। साहब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि जो मेडिसिन आप पी रहे हो जिसमें एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, क्या है? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किसमें? मेडिसिन में। तो बताओ उस कोरेक्स की दवाई पर, उस मेडिसिन पर सेंट्रल एक्साइज लगेगा या स्टेट एक्साइज लगेगा?
सेंट्रल एक्साइज लगेगा. क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज. रीजन बींग कि आपने शराब खरीदी, क्या दवाई खरीदी आपने. हाँ, मतलब एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या इंडियन हेम्प ओपियम वगैरह से अगर कोई गुड्स बनी है और वो गुड्स आपने परचेज किया है, वो गुड्स आपने बनाई है, तो क्या उस पर भी स्टेट एक्साइज लगेगा क्या? नहीं सर, उस पर क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज. फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लास्टिक पे एक्साइज माफ है. किसमें माफ है? प्लास्टिक. अब प्लास्टिक से आपने एसी मैन्युफैक्चर किया तो क्या एसी भी माफ हो जाएगा? यार एसी अलग है और प्लास्टिक अलग है. तो सेम वे गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ इंडियन हेम्प ओपीएम या एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, साहब इन पे सेंट्रल एक्साइज लग सकता है साहब. अरे हाँ, है ना, क्लियर पक्का? क्योंकि वो शराब नहीं है. बोलो यस. बात समझे मेरी आप? यस सर. सर अब हमारे सिलेबस में क्या है? सेंट्रल एक्साइज. क्या है साहब? सेंट्रल एक्साइज. क्योंकि स्टेट एक्साइज तो हर स्टेट का अलग अलग लॉ बना हुआ है. क्या हमें सारे स्टेट के पढ़ने हैं क्या? नहीं. इसलिए हमारे सिलेबस में क्या है? सेंट्रल एक्साइज. ओके, तो लेट्स बिगिन विद सेंट्रल एक्साइज. सेंट्रल एक्साइज एक्ट वी आर बिगनिंग विद. ओके, देखना ध्यान से सेंट्रल एक्साइज के प्रोविजंस देखना. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 ये कहता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर. क्या कहा साहब? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स. कौन सी गुड्स? एक्साइजेबल गुड्स. मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. कहां पे? इन अमेरिका? नहीं, कहां पर? इन इंडिया. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड. नहीं साहब, जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स नहीं लगता है, एक्साइज लगता है. क्लियर? यहां पे क्या है? एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ध्यान रखना, एसीजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी फैक्ट्री है तो एक्साइज लेवी नहीं होता है, पर जम्मू एंड कश्मीर में फैक्ट्री तो एक्साइज लेवी होता है. ध्यान रखना, सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है. ओके सर, ये मैंने जानबूझ के आपसे मिस्टेक करवाई, जानबूझ के मिस्टेक कराई मैंने आपसे, सो दैट आपको याद रहेगी. पक्का? पक्का. ओके, सुनना. तो क्या लिखा है सर? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब एक और चीज समझना ध्यान से. एक्साइज एक्ट जो ना सर, एक्साइज एक्ट या सेंट्रल एक्साइज लो जो बना हुआ आपका, उसमें दो एक्ट है. कितने एक्ट है? दो. देखना ध्यान से. सेंट्रल एक्साइज लो, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. दो एक्ट मेन बनाए हुए इसमें, दो एक्ट मेन बनाए हुए. एक तो है क्या? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और एक और है क्या? सेंट्रल एक्साइज एक्ट था ये वाला, ठीक है था सेंट्रल एक्साइज एक्ट. यह है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट. क्या है साहब? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985. अरे बात समझे मेरी आप? यह है क्या? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944. ये मेन एक्ट है. यह है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट. देखो ध्यान से, क्या नाम जुड़ा हुआ इसमें? टैरिफ. ये टैरिफ क्या होता है सर? रिव्यू ना हम कहीं जाते हैं होटल वगैरह में, मुझे आपका रेट्स क्या है, टैरिफ काट देना मुझे आप.
तो टैरिफ मींस रेट्स, टैरिफ मींस रेट्स सर। तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में रेट्स दी हुई है, क्या दी हुई है रेट्स, कि एक्साइज ड्यूटी लगेगा एक्साइजेबल गुड्स पर लगेगा, पर किस रेट से लगेगा रेट्स यहां दी हुई है। यहां क्या क्या हुआ है, यहां पे दो शेड्यूल दिए हुए, कितने शेड्यूल दिए हुए दो, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट ने दो शेड्यूल दिए हुए, शेड्यूल मतलब टेबल रहे लिस्ट दी हुई है, क्लियर। क्लाइंट को डरने के लिए क्या बोलते हैं शेड्यूल साहब, दो शेड्यूल है, मैं एक का नाम बताऊंगा दूसरे का बताएंगे, बताओ सर यह दो शेड्यूल दिए हुए, फर्स्ट का नाम है शेड्यूल वन, बताओ दूसरे का क्या होगा शेड्यूल टू, एक्सीलेंट बॉस क्या आईक्यू है सर आपका, शेड्यूल टू, शेड्यूल वन में जितने भी गुड्स कवर्ड है उन पे क्या लगता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, क्या लगता है साहब बेसिक एक्साइज ड्यूटी, और शेड्यूल टू में जो भी गुड्स कवर्ड है उस पे लगता है क्या स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, क्या लगता है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। और खास बात एट प्रेजेंट शेड्यूल टू में कोई भी गुड्स नहीं है, ऑल गुड्स आर ऑलरेडी बीन मर्ज्ड विद शेड्यूल वन, शेड्यूल वन में बेसिक की रेट बढ़ा दी थी, स्पेशल एक्साइज अभी नहीं लगता है, शेड्यूल टू में कोई भी गुड्स नहीं है, तो सारी गुड्स कहां पर है शेड्यूल वन में, पक्का कुछ नहीं एक लिस्ट दी हुई है, क्लियर सर। लाखों गुड्स है, कितने गुड्स है लाखों गुड्स है जिन पे एक्साइज लगता है, लाखों, कितनी मोटी बुक है सर टैरिफ की, पर टेंशन मतलब अपने कोर्स में नहीं है, क्लियर, टैरिफ हमारे कोर्स में नहीं है, टैरिफ नहीं पढ़ना है, बात समझे मेरी आप, उसका एक आइडिया लेना है कि टैरिफ क्या होता है, उसके बताया मैंने आपको, बात समझे। तो ये तो मेन एक्ट है सेंट्रल एक्साइज एक्ट, और ये क्या हो गया सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, क्लियर, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं सीटा, क्या बोलते हैं हम सीटा, इतना भी प्यार से नहीं है, लड़की नहीं है सर, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट सीटा, बोलो यस, बात समझे मेरी आप 100% यस सर। तो देखना ध्यान से एक्साइज एक्ट को इस एक्ट से कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ सर, देखना ध्यान से, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 बोलता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज पर रेट्स इवन इन शेड्यूल 1 एंड और शेड्यूल 2 ऑफ सीटा, क्या लिखा हुआ है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज पर रेट्स गिवन इन शेड्यूल 1 एंड और शेड्यूल 2 ऑफ सीटा, शेड्यूल 1 में जो गुड्स कवर उन पे क्या लगता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, और शेड्यूल 2 में जो गुड्स कवर है उसको क्या लगता है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वो बात अलग है, अभी एट प्रेजेंट इसमें कुछ भी नहीं है। अरे क्लियर पक्का, दिस इज हाउ सेंट्रल एक्साइज एक्ट ने सीटा को कनेक्ट किया, ओके पक्का डन। तो सर वापस देखना एक बार क्या लिखा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, क्लियर, एक्सेप्ट एसीजेड एज पर रेट्स गिवन इन शेड्यूल 1 एंड और शेड्यूल 2 ऑफ सीटा, बात समझे मेरी आप, क्लियर। तो ये मेन बात हो गई, अब इसका ऑपरेशन करेंगे हम, क्या करेंगे ऑपरेशन सर। सबसे पहली बात सर मुझे बताओ एक्साइज कौन सी गुड्स पे लगता है, अरे कौन सी गुड्स पे एक्साइज लेवी होगा, एक्साइजेबल गुड्स पर। तो यार मुझे बताओ ये एक्साइजेबल गुड्स क्या होती है, सबसे पहली बात हम ये करेंगे। हाँ साहब, एक्साइजेबल गुड्स मींस वो गुड्स जिन पे एक्साइज एबल होता है, एक्साइज लगता है, वो गुड्स जिन पे एक्साइज लगता है उन गुड्स को क्या कहेंगे हम, एक्साइजेबल गुड्स कहेंगे। और मुझे बताना तो जरा कौन कौन सी गुड्स पे एक्साइज लगता है, ये गवर्नमेंट ने कहा लिखा हुआ है, परफेक्ट, कहा लिखा हुआ है शेड्यूल 1 एंड और शेड्यूल 2 ऑफ सीटा। तो सर एक्साइजेबल गुड्स क्या हो गई, ऑल द गुड्स which are covered under Schedule 1 and or Schedule 2 of CETA, ये क्या है? Accessible goods है, clear? Definition अपने आप आई ना सर,
या तो नहीं करनी पड़ेगी, खत्म हो गया सेक्शन टू क्लोज डी। ये आंसर आपने बताया, मैंने नहीं बताया सर, वापस से देखना। तो मैं लिखता हूं इधर, तो एक काम करता हूं सर, पहले ये गुड्स वगैरह का पूरा सीन क्लियर करता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखते हैं सर, ये गुड्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कैसे? देखना, दो पार्ट्स में कैसे? एक तो हो गई क्या एक्साइजेबल गुड्स, और एक और क्या हो गई? नॉन एक्साइजेबल गुड्स। सर गुड्स को दो पार्ट्स में बांटा है मैंने, एक तो क्या है एक्साइजेबल गुड्स, और एक और क्या हो गई? नॉन एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स वो गुड्स जिन पे एक्साइज लगता है, और किन पे लगता है सर? ऑल गुड्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल वन एंड और शेड्यूल टू ऑफ सीटा, और आगे लिखा हुआ है ऑल गुड्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल वन एंड और शेड्यूल टू ऑफ सीटा इंक्लूडिंग सॉल्ट। नमक भी एक्सेसिबल गुड्स है, ध्यान रखना। हाँ, नमक पे सर कुछ अलग प्रोविजन और है, वो क्या है कैसे वो आपको याद नहीं करना है, क्लियर? क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स का हमें स्टडी नहीं करना है, टैरिफ हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, बट यस, इसमें कंफ्यूजन था कि एक्सेसिबल गुड्स है या नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने अलग से लिख दिया कि यस ये एक्सेसिबल गुड्स है। तो सर एक्सेसिबल गुड्स मीन्स गुड्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल वन एंड और शेड्यूल टू ऑफ सीटा इंक्लूडिंग सॉल्ट। तो उन सारी गुड्स को क्या कहेंगे हम? एक्सेसिबल गुड्स कहेंगे। ओके, तो बताओ नॉन एक्सेसिबल गुड्स क्या होगा? हाँ सर, गुड्स विच आर नॉट कवर्ड। अरे हाँ, है ना, जो शेड्यूल वन में भी कवर नहीं है और शेड्यूल टू में भी कवर नहीं है, कहीं कवर नहीं है, उनको क्या कहेंगे हम? नॉन एक्सेसिबल गुड्स। बोलो यस, बात समझे मेरी आप? क्लियर? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर, सर एट प्रेजेंट शेड्यूल टू में तो कोई गुड्स है ही नहीं, तो फिर उसको क्यों लिखा आपने? अरे अभी नहीं है, कभी इंसर्ट कर दिया तो तब तो गुड्स एक्सेसिबल कहलाएंगे ना यार। इसलिए सर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल गुड्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल वन एंड और शेड्यूल टू ऑफ सीटा आर कॉल्ड एक्सेसिबल गुड्स। बोलो यस। ओके सर, तो एक्सेसिबल गुड्स क्या होती है समझ में आ गया, शेड्यूल वन और टू में जो कवर है उनको क्या कहेंगे हम? एक्सेसिबल गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एक्सेसिबल गुड्स। ओके सर, अब साहब जो गुड्स एक्सेसिबल है, क्या गवर्नमेंट के पास पावर है क्या कि गवर्नमेंट चाहे तो उन गुड्स को एग्जम्प्ट कर सकती है? यस सर, सेक्शन 5A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट में पावर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो गुड्स को क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है ना पावर? यस सर। तो जिन गुड्स को एग्जम्प्ट करती है उनको क्या कहेंगे हम? एग्जम्प्टेड गुड्स। ओके, तो ऑब्वियसली जो गुड्स, ऑब्वियसली बात है कि साहब एग्जम्प्शन की बात कब आएगी? अरे एग्जम्प्शन की बात कब आएगी? जब एक्साइज लग रहा होगा तो एग्जम्प्शन की बात आएगी। तो मुझे बताओ क्या नॉन एक्सेसिबल गुड्स को एग्जम्प्ट करने की बात आएगी क्या? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बोतल, इस बोतल पे एक्साइज लगता ही नहीं है, ये नॉन एक्सेसिबल गुड्स है। मैं कहता हूं अगर हमारी सरकार बन गई, तो हम बोतल पे एक्साइज माफ कर देंगे। अरे क्या खाक माफ करेंगे? बोतल पे एक्साइज लगता ही नहीं है तो माफ करने की बात आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। अरे बात समझे मेरी आप? हाँ, है ना। तो ऑब्वियसली एक्सेम्प्शन की बात कब आएगी? जब गुड्स क्या है? एक्साइजेबल है। क्या है साहब? एक्साइजेबल। तो साहब मैं एक्सेसिबल गुड्स को ऐसे डिफाइन करता हूं जो शेड्यूल वन एंड टू में कवर है, क्लियर? अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गुड्स को क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट। तो जिन गुड्स को एग्जम्प्ट कर दिया है उन गुड्स को क्या कहेंगे हम?
एग्जेम्प्टेड गुड्स, और जिसको एग्जेम्प्ट नहीं किया है, जिसपे ड्यूटी लगती है, उन्हें क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है, नॉन एग्जेम्प्टेड नहीं, क्या कहेंगे हम? ड्यूटेबल गुड्स। ओके, बात समझे मेरी आप? ड्यूटेबल गुड्स कहते हैं उसको हम। पक्का? यस सर। अब साहब, एग्जेम्प्टेड गुड्स मीन्स गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 5A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 5A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 आर कॉल्ड एग्जेम्प्टेड गुड्स। प्लस अगर किसी गुड्स पर रेट ऑफ ड्यूटी निल लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? निल या 0%। इफ रेट ऑफ ड्यूटी ऑन एनी गुड्स इज 0% या निल रेट, टैरिफ देखोगे आप तो उसमें कुछ गुड्स पे निल लिखा हुआ है, 0% लिखा हुआ है, तो उन गुड्स को भी क्या कहेंगे हम? एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एग्जेम्प्टेड गुड्स। पक्का? समझ आई बात आपको ये? यस सर। और उसके अलावा जो भी गुड्स बच गई उनको क्या कहेंगे हम? ड्यूटेबल गुड्स। बोलो यस। बात समझे मेरी आप? पक्का? यस सर। सर ये तो समझ में आया, पर सर एग्जाम्पल मिल जाए लाइव तो मजा आ जाए सर। तो लो आ जाओ, देखो ध्यान से। चल लिया लिखता हूं। मान लो ये शेड्यूल वन है सर। क्या है सर? ये शेड्यूल वन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट। यहां पे सर गुड्स लिखी हुई है और उनके यहां पे रेट्स लिखी हुई है। ओके, जो भी है शेड्यूल वन में यही है, जो भी है शेड्यूल टू में तो 8% कुछ भी नहीं है, खत्म। शेड्यूल वन में जो है वो ये रहा। क्या क्या कवर है? ए बी सी, क्या क्या है? डी ई और जी। जरूर थोड़े एफ, आपको टैरिफ याद है क्या? टैरिफ तो मेरे को पता है। पक्का? ओके सर। अब साहब रेट्स, ए पे रेट है 10%, बी पे रेट है 12.5%, डी पे रेट है 20%, ई पे रेट है निल, और जी पे रेट है, जी पे रेट है कितनी? 50%। कितनी है? 50%। ए पे है 10%, बी पे है 12.5%, सी पे पता नहीं, डी पे कितना है? 20%, ई पर निल और जी पर 50%। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, बताओ इनमें से कौन कौन सी एक्सेसिबल गुड्स है, कौन कौन सी नॉन एक्सेसिबल है, और आगे बात करते हैं। पर हां, गिवन दैट ये शेड्यूल दिया हुआ है, और शेड्यूल के अलावा एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है सर, और उस नोटिफिकेशन में लिख दिया ये जी है ना, जी G is exempted from central excise duty under section 5A of central excise act 1944. G को क्या कर दिया सर? Exempt कर दिया है। देखो कभी भी गवर्नमेंट इस तरह के exemption देती है तो टैरिफ में चेंज नहीं करती है। टैरिफ में रेट कितना है? 50 है अभी भी, टैरिफ में चेंज नहीं किया। ओके, टैरिफ 50% ही है, पर हाँ अलग से नोटिफिकेशन इश्यू करके उसको माफ कर दिया है। ओके, तो ये रहा टैरिफ और एक एग्जम्पशन अलग से दे रखा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, बताओ इनमें से एक्साइजेबल गुड्स क्या क्या है, कौन कौन से गुड्स एक्साइजेबल है, कौन कौन से गुड्स नॉन एक्साइजेबल है। हाँ सर, एक्साइजेबल गुड्स, All goods which are covered under Schedule 1 and or Schedule 2 of CETA. अरे हाँ है ना, मुझे बताओ इनमें से नॉन एक्सेसिबल गुड्स कौन कौन सी है, निकाल लेंगे हम। चलो पहले कौन सा करें? नॉन एक्सेसिबल। क्या कर रहे हैं हम? नॉन एक्सेसिबल। बताओ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनमें से नॉन एक्सेसिबल कौन कौन सी है? सर एफ और एच। अरे हाँ है ना, कौन कौन सी? एफ ये कवर नहीं है, देख लो ध्यान से,
एच ये भी कवर नहीं है और सी, क्या सी सर ये तो कवर है ना, पर सुनो नॉन एक्सेसिबल गुड्स मीन्स गुड्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल वन एंड और शेड्यूल टू ऑफ सीटा प्लस गुड्स विच आर कवर्ड बट विथ ब्लैंक रेट ऑफ ड्यूटी. क्या चीज? गुड्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल विथ ब्लैंक रेट ऑफ ड्यूटी, मतलब उसमें कोई रेट नहीं लिखी है, ना जीरो लिखा है, ना निल लिखा है, ना कुछ लिखा है. तो उस गुड्स को क्या कहेंगे हम? नॉन एक्सेसिबल गुड्स कहेंगे. क्या कहेंगे? नॉन एक्सेसिबल गुड्स. अभी क्लियर पिक्चर? पक्का? सर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? होता क्या है सर? हमारा शेड्यूल वन जो है ना सर, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन अ शेड्यूल विच इज इश्यूड बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर कंट्री है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, अपने सारे मेंबर कंट्रीज में यूनिफॉर्म लो हो, यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन का सिस्टम हो, उसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल इश्यू किया, उसके बेस पे हमने हमारा शेड्यूल वन बनाया हुआ है. सो दैट देयर शुड बी, देयर मे बी, देयर माइट बी यूनिफॉर्म या हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हो सारी मेंबर कंट्रीज में. क्लियर सर? इसलिए हमने भी शेड्यूल वन वहां से लिया हुआ है. तो सर जिन गुड्स पे, और सर हमने क्या क्या वहां से लिया, पर अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ज्यादा चेंज करना थे, हमने चेंज कर लिया. तो वहां पे कोई गुड्स अगर मान लो कवर है पर हमको एक्साइज नहीं लगाना है, तो हमने क्या किया, उसको लिख तो लिया पर ब्लैंक रख दिया उसको, बाद में जब लगाना हो तब लगा देंगे, अभी ब्लैंक कर दिया. तो वो क्या है? नॉन एक्सेसिबल. बात समझ में आई आपको मेरी? है पक्का? ओके. तो एफ, एच और सी क्या है? नॉन एक्सेसिबल. तो बताओ इनमें से एक्साइजेबल गुड्स कौन कौन सा है? ए, बी, डी, ई और जी. वो सर बोल रहे सर ई में तो नील है ना, अच्छा नील रेट तो रेट तो है ना सर, ये एक्साइजेबल है. क्या है? एक्साइजेबल. और सुनो अब मुझे बताओ इन एक्साइजेबल गुड्स में से एग्जम्प्टेड गुड्स कौन कौन से, बताना तो मुझे एक बार. ई और जी, क्योंकि ई पे रेट 0%, नील रेट लिखी हुई है, और जी को अलग से एग्जम्प्ट कर दिया सेक्शन 5A में. क्लियर? पक्का? तो सर ई और जी क्या हो गए? एग्जम्प्टेड गुड्स. तो सर बताओ ड्यूटेबल गुड्स कौन कौन से? अरे जो बच गए वो सब ड्यूटेबल है, एक्साइज लग रहा है उन पर. ए, बी और डी, ये तीनों गुड्स क्या है? ड्यूटेबल गुड्स है. पक्का? तो शायद आपको पूरा सीन क्लियर हो गया कि सर एक्सेसिबल गुड्स क्या होता है, नॉन एक्सेसिबल गुड्स क्या होता है, सर एक्सेम्प्टेड गुड्स क्या होता है और ड्यूटेबल गुड्स क्या होता है. पक्का? 100% डन. तो सर एक्सेम्प्टेड गुड्स, ड्यूटेबल गुड्स, एक्सेसिबल गुड्स, नॉन एक्सेसिबल गुड्स, यहां तक पिक्चर क्लियर? ओके पक्का? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मिस्टेक करते बहुत सारे स्टूडेंट, कोई गुड्स अगर एक्सेम्प्टेड गुड्स है, क्या है सर? एक्सेम्प्टेड गुड्स. अरे एक्सेम्प्टेड मतलब वो एक्सेसिबल तो हो गई होगा, क्योंकि एक्सेसिबल होगा तभी तो इसको एग्जम्प्ट किया है, वरना क्या वो एग्जम्प्ट करते है क्या? क्या नॉन एक्सेसिबल को एग्जम्प्ट करने की बात आती है क्या? नेवर. क्लियर? कोई गुड्स अगर एक्सेम्प्टेड है इट मींस वो एक्सेसिबल तो है ही है. बोलो यस. पक्का? 100% यस सर. ध्यान रखना एक्सेसिबल गुड्स इंक्लूड्स एग्जम्प्टेड एज वेल एज ड्यूटेबल गुड्स. पक्का? ध्यान रखना स्टूडेंट मिस्टेक करता है. ओके सर ठीक है. कॉपी करना है कॉपी कर लो इसको, वो कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कॉपी कर लो केवल आप. क्लियर सर? बुक्स मिली होगी आपको, बुक में वैसे ही कॉपी किया हुआ है, ये सब डायग्रामेटिक फॉर्म में मिलेगा आपको बुक में. क्लियर? ये टेबुलर फॉर्म में मिलेगा आपको सर, बस ये एग्जाम्पल नहीं होगा तो सर ये एग्जाम्पल रेस्टमेंट कॉपी कर लो, और बुक नहीं मिली तो एक काम करो पूरा कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, एक काम करो पूरा कॉपी कर लो आप, पूरा शुरू से लेके तक फटाफट जल्दी.
क्लियर पिक्चर आपको 100%। ओके, अब साहब एक्सेसिबल गुड्स क्या होता है, नॉन एक्सेसिबल गुड्स क्या होता है, ड्यूटेबल गुड्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होता है, एवरीथिंग डन। ओके, अब साहब वापस आ जाओ इधर। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेवीड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट, एक्साइजेबल गुड्स। ओके, वापस देखना, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेवीड, लेवी होगा बोस, कब, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट, एक्साइजेबल गुड्स। ओके ओके, अब ध्यान इधर से, माय पॉइंट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय लेवी, व्हाट डू मीन बाय लेवी, ये लेवी का मतलब क्या होता है साहब, कि एक्साइज लेवी होगा, व्हाट डू मीन बाय लेवी, लेवी मतलब चार्ज होगा, इंपोज होगा, टैक्स लगेगा, समझना ध्यान को बहुत अच्छे से, हाँ मस्त पॉइंट है सर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेवीड, लेवी होगा साहब, चार्ज होगा, इंपोज होगा, टैक्स लगेगा, कब लगेगा, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे लगेगा। सर वापस से नोट करना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स इंपोज होगा, कब होगा, जब गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर होगा तब लेवी होगा। अब मुझे बताओ कोई भी गुड्स कितनी बार बनती है, एक बार बनती है, अरे कोई भी गुड्स कितनी बार बनती है, एक बार बनती है, हम जीते भी एक बार है, और शाहरुख खान तोड़े सर, इधर ध्यान साहब, पॉइंट ये है कि एक्साइज लेवी कब होगा, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर पे, और कोई भी गुड्स कितनी बार बनती है, एक बार, मतलब जब गुड्स का प्रोडक्शन होगा तब एक्साइज लेवी होगा, ना उसके बाद कभी लेवी होगा, ना उससे पहले कभी लेवी होगा, कब लेवी होगा, जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर होगा तब लेवी होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में, कब होगा सर, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, बोलो यस, बात समझे मेरी आप, तो एक्साइज लेवी कब होगा, लेवी कब होगा, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, क्या उसके बाद में कभी होगा, नहीं, क्या उससे पहले कभी होगा, नहीं, कब होगा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लेवी होगा, ना उसके बाद में ना उससे पहले, क्लियर। और सर कोई भी गुड्स कितनी बार बनती है, एक बार, मतलब जब वो गुड्स बन रही है, जब वो गुड्स बनी है उस टाइम पे अगर एक्साइज लेवी हो गया तो हो गया, बाद में कभी भी एक्साइज लेवी नहीं होगा, बोलो यस सर। तो ये बात समझना है आपको, लेवी कब होता है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। सर लेवी मतलब टैक्स लगेगा, टैक्स चार्ज होगा, टैक्स इंपोज होगा, कब होगा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के टाइम पे होगा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के टाइम पे एक्साइज लेवी होगा। ओके सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेवीड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, मतलब साहब पहले तो मुझे बताओ एक्साइज लेवी कब होता है। अच्छा, हो सकता है मैं एक ही बात को आपको चार चार बार, पांच पांच बार पूछ लूं, पर आपको आंसर देना है सर, दोगे पक्का, यस सर। तो एक्साइज लेवी कब होता है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे लेवी होता है, कब होता है, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। एक्साइज कब लगेगा, आंसर नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। सर एक्साइज कब चार्ज होगा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, क्या उसके बाद कभी होगा, नहीं, क्या उससे पहले कभी होगा, नहीं, कब होगा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर होगा। हिंदुस्तान में आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसकी वजह से एक्साइज लग रहा है, हाँ साहब, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा इवेंट है जिस टाइम पे एक्साइज लेवी होता है, कौन सा इवेंट है, कौन सा काम आप कर रहे हो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सर मुझे बताओ ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से एक्साइज लेवी हो रहा है, कौन सा काम है वो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। सर किस टाइम पे एक्साइज लगता है,
प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कौन सा इवेंट है जब ये एक्साइज लेवी होता है, वो इवेंट कौन सा है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। क्लियर सर? वो इवेंट जब टैक्स लगता है, वो इवेंट जब टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? टैक्सेबल इवेंट। अरे क्या बोलते हैं हम? टैक्सेबल इवेंट। तो सर मुझे पहले बताओ ये टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट मींस वो इवेंट जिसके होने पर टैक्स एबल हो रहा है, मतलब टैक्स लग रहा है, टैक्स इम्पोज हो रहा है, टैक्स लेवी हो रहा है। कब लेवी होगा? ये एक्साइज की बात कर रहा हूं मैं। एक्साइज वाला टैक्स कब लेवी होगा? ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे लेवी होगा। कब लेवी होगा? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। बोलो यस सर। तो मुझे बताओ एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या है? पहली बात तो टैक्सेबल इवेंट मींस वो इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच द टैक्स बिकम्स एप्लीकेबल। क्लियर? क्लियर। तो एक्साइज में, एक्साइज एक्ट में एक्साइज लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। मतलब एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। अरे हाँ है ना। क्लियर सर? वो इवेंट जब टैक्स लगता है, वो इवेंट कौन सा है एक्साइज में? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। ना उसके बाद में कभी लगेगा, ना उससे पहले कभी लगेगा। कब लगेगा? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। मतलब टैक्सेबल इवेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया? मुझे बताओ ये टैक्सेबल इवेंट को याद करना पड़ेगा क्या? कभी नहीं सर, याद नहीं करना। समझ में आया आपको? टैक्सेबल इवेंट क्या है सर? वो इवेंट जब टैक्स लगता है। और एक्साइज कब लगता है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर लगता है। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। बोलो यस। पक्का 100%? यस सर। सर तो मुझे बताओ कस्टम में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। वेट के अंदर सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज में सर्विसेज प्रोवाइडेड। अरे हाँ है ना। तो टैक्सेबल इवेंट समझ में आया आपको सर? अब हर एक्ट में क्या अलग अलग याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको तो ये मैंने समझा दिया कि टैक्सेबल इवेंट का मतलब ही क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं सर। क्लियर? अब साहब लोग क्या करते पता है? एक्साइज में याद करते हैं, एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट मींस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, टैक्सेबल इवेंट मींस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। ऐसे याद नहीं करना। अपने आप आया ना सर? पक्का? यस सर। सर एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। ऑफ व्हाट? ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। बोलो यस सर। तो टैक्सेबल इवेंट क्लियर हुआ क्या? टैक्सेबल इवेंट क्या है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। एक्साइज लेवी कब होता है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे। एक्साइज लगता है कब है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे। क्या उसके बाद में? नहीं। क्या उससे पहले? नहीं। कब? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। अरे हाँ है ना। तो सर मुझे बताओ एक्साइज लेवी कब हो रहा है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। कब चार्ज हो रहा है सर? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। सर जब एक्साइज चार्ज होता है कब होता है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होता है। क्या सारी गुड्स पे होता है? क्या सारी गुड्स पे एक्साइज चार्ज होता है? क्या सारी गुड्स पे एक्साइज लेवी होता है? नो नो नो, सारी गुड्स पे एक्साइज लेवी नहीं होता है। कौन सी गुड्स पे होता है? एक्साइजेबल गुड्स पे होता है। कौन सी गुड्स पे होता है? एक्साइजेबल गुड्स पे। क्लियर? मतलब दोनों को कनेक्ट अगर मैं करूं तो एक्साइज लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे। और टाइम पे जब लेवी हो रहा है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे, उस टाइम पे गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल गुड्स। उस टाइम पे अगर गुड्स एक्साइजेबल है तो एक्साइज लगेगा, अदरवाइज लाइफ में कभी भी एक्साइज नहीं लगेगा। बोलो यस। बात समझे? अरे हाँ है ना सर। टैक्सेबल इवेंट के टाइम पे गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। टैक्सेबल इवेंट के टाइम पर गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। बोलो यस। तो एक्साइज लगेगा, अदरवाइज एक्साइज नहीं लगेगा। अग्रीड? बात समझे मेरी आप? अरे हाँ है ना। यस सर। सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के टाइम पे गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। हाँ है ना? पक्का सर? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? टैक्सेबल इवेंट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। कौन सी गुड्स पे एक्साइज लेवी होता है? एक्साइजेबल गुड्स पे होता है। इट मींस एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। तो एक्साइज लेवी होगा, अदरवाइज बाबा जी। क्लियर? क्योंकि लेवी एक बार ही होता है। कब? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। क्लियर? और कोई भी गुड्स एक बार ही बनती है,
और उस टाइम पे गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल, तो एक्साइज लेवी होगा, अदरवाइज एक्साइज लेवी नहीं होगा. बोल डन डन सर. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सर. अब एक बात और करूंगा मैं आपसे. नो डाउट, नो डाउट, एक्साइज में एक्साइज लेवी कब होता है? एक्साइज में एक्साइज लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पर. और सुनना, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू. किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू लेंगे उसके लिए रूल नंबर 5 बना हुआ है. क्या बना हुआ है? रूल नंबर 5, देखना ध्यान से. अच्छा, अभी रूल नंबर वगैरह का टेंशन मत लेना, वो धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा. कौन से रूल से क्या है धीरे धीरे समझ आएंगे. अभी मेन बात समझो आप, प्रोविजन क्या कहता है. रूल नंबर 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002. अच्छा, सेंट्रल एक्साइज रूल्स, सर ये रूल्स बने हुए प्रोसीजरल पार्ट के लिए. इसमें लिखा है कौन लायबल होगा, कब पे करना है, कैसे करना है, वेरियस रूल्स बनाए हुए सर. तो रूल नंबर 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 ये कहता है, रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू. रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू. अभी टैरिफ वैल्यू क्या था है? हटाओ इसको, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी मेरे को इससे कंसर्न नहीं है. मैंने लिख के इसलिए काटा कि बुक में देखोगे तो सर मिलेगा टैरिफ वैल्यू, आपने पढ़ाया ही नहीं, अभी नहीं पढ़ाना मुझे. ठीक है सर, देखना ध्यान से. रूल नंबर 5 कहता है रिलेवेंट डेट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी. सर किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से एक्साइज चार्ज करना है? एक्साइज लेवी कब होता है? लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पर. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए रूल नंबर 5 बोलता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे, रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पर जो रेट ऑफ एक्साइज होगा उस रेट से एक्साइज पे करना है. क्या सर? मतलब रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी शेल बी द रेट, शेल बी द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल. रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू. टैरिफ वैल्यू उठाओ सर. रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेनी है? प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल. वो प्लेस रिमूवल वगैरह क्या वो छोड़ो अभी आप. फैक्ट्री होता है, क्या होता है? फैक्ट्री, मतलब जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से बाहर जाएगी उस दिन की रेट से एक्साइज पे करना है. किस दिन की रेट से? जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से बाहर जाएगी उस दिन जो रेट ऑफ एक्साइज होगा उस रेट ऑफ एक्साइज से आपको एक्साइज पे करना है. क्लियर? पक्का? यस सर. सर थोड़ा और डिटेल में समझाओ ना तो मजा आया सर. समझना बात को अच्छे से. लेवी कब होता है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर. सुनना सुनना, इधर ध्यान. एक्साइज में सिस्टम थोड़ा सा अलग है सर. एक्साइज लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पर. एक्साइज की लायबिलिटी पता है कब आती है? एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ सेल. एट द टाइम ऑफ रिमूवल एक्साइज पे करने की लायबिलिटी आएगी. सुनना सर, लेवी कब हो गया? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर और गुड्स फैक्ट्री में पड़ा, अभी जब फैक्ट्री से बाहर जाएगा जब सेल होगा तब एक्साइज पे करने की लायबिलिटी आएगी. और जिस दिन पे करने की लायबिलिटी आई उस दिन पे नहीं करना है. पेमेंट तो मंथली होता है, अगले महीने की 6 तारीख तक पे करना है, 6th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक पे करना है. रोज रोज पे नहीं करना है, आज सेल करी चलो एक्साइज पे करके आते, ऐसा नहीं है. क्लियर साहब?
रोज उस पे नहीं करना, चलो एक्साइज पे गुड्स बेचा, दो गुड्स बेचा, चलो डिपार्टमेंट टैक्स पे करके आते, नहीं साहब, क्लियर, ऐसा नहीं साहब। कैसा होता है, कैसा होता है सर, आपने गुड सेल करी है तो पूरे महीने में जितनी सेल करी उसका लायबिलिटी एक साथ पे करना है अगले महीने की सिक्स तक। ओके, तो सुनना, मतलब एक्साइज में देखा जाए तो तीन स्टेप हो गई, एक सिंपल टर्म से बात करें तो। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, लेवी, सेकंड क्या हो गया, लायबिलिटी, थर्ड क्या हो गया, पेमेंट। लेवी, लायबिलिटी, पेमेंट। लेवी होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पर, लायबिलिटी आती है रिमूवल के टाइम पर, और पेमेंट कब करना है, अगले महीने की 6 तारीख को। बोलो यस, लेवी, लायबिलिटी, पेमेंट, क्लियर। लेवी कब होता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे, अगर लेवी हुआ है तो ही तो लायबिलिटी की बात आएगी, और लायबिलिटी की बात आएगी तो किस दिन की रेट लेंगे, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ सेल जो रेट होगी उस रेट से लायबिलिटी आएगी। बोलो यस। और सर जिस रेट से लायबिलिटी आई है उस रेट से आप कस्टमर को बिल लिखोगे, बिल लिखा 1 लाख रुपए का, उस टाइम रेट ऑफ एक्साइज थी 12%, तो 12,000 रुपए एक्साइज लोगे, और सर ये 12,000 रुपए जो आपने उससे लिए, ऐसा कई सारे कस्टमर से लिए होंगे आपने, वो कलेक्ट करके एक साथ आपको नेक्स्ट मंथ की 6 तक डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। बोलो यस, डन। तो सर तीन स्टेप्स वापस है, लेवी कब होगा, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, क्लियर, लायबिलिटी कब आएगी, रिमूवल, क्लियर, और उस दिन जो रेट होगी उस रेट से लायबिलिटी आएगी, और अगले महीने की 6 तारीख तक पेमेंट करना है। बोलो डन। डन सर। सर सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली जो है, सबसे पहली बात, अगर लेवी होगा तो ही तो लायबिलिटी आएगी। अच्छा लेवी नहीं हुआ तो लायबिलिटी आएगी क्या, नहीं, लेवी होना जरूरी है, इसलिए पहले एक्साइज लेवी होता है, लेवी होगा तो लायबिलिटी आएगी, क्लियर, क्लियर। और लेवी कब होता है, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, हाँ है ना, उस टाइम अगर लेवी हुआ है तो एक्साइज लगेगा, पर किस रेट से लगेगा, एट द टाइम ऑफ रिमूवल जो रेट होगा उस रेट से लगेगा। बोलो यस, डन सर। ओके, तो सर एक काम करो ना सर, एक फ्लो चार्ट बना देता हूं मैं आपके लिए, वो फ्लो चार्ट बना के फिर जो केस आ जाए वो आप सॉल्व कर लेना, आराम से होगा सर, ठीक है, फिर हम कई सारे केसेस बना के उसको सॉल्व भी कर लेंगे, उसको सॉल्व भी कर लेंगे, देखते एक बार सर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, चेक वेदर एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑर नॉट। अगर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के टाइम पे एक्साइज लेवी हुआ है, अगर आपका आंसर क्या है, अरे क्या है, नो, तो सर ऐसे केस में ध्यान रखना, अगर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर अगर एक्साइज लेवी नहीं हुआ है तो नो एक्साइज ड्यूटी, कोई एक्साइज नहीं लगेगा, नो एक्साइज ड्यूटी इन एनी केस। क्या कहा, नो एक्साइज ड्यूटी इन एनी केस, एनी केस मतलब एनी केस, एनी मतलब कुछ भी, क्या मतलब, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर अगर एक्साइज लेवी नहीं हुआ तो साहब लाइफ में बाद में कुछ भी हो जाए कोई एक्साइज पे नहीं करने का, कोई एक्साइज पे नहीं करने का, क्यों, क्योंकि अगर एक्साइज लेवी नहीं हुआ तो कलेक्शन की बात तो आती ही नहीं, और लेवी कब होता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे, और उसके बाद में कभी भी लेवी नहीं हो सकता है। बोलो यस, तो एक्साइज लेवी नहीं हुआ तो सर एक्साइज पे करने की बात नहीं आएगी, पर यस अगर आपका आंसर यहाँ पे क्या था, यस है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एक्साइज लेवी हुआ था, तो ऐसे केस में पे एक्साइज ड्यूटी एट द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल
क्या बोला है साहब, पे एक्साइज ड्यूटी एट द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल। बात समझे? 100% यस सर, अग्रीड। मतलब एक्साइज लेवी हुआ है तो रिमूवल के टाइम पे जो रेट होगी उस रेट से एक्साइज पे करना है। बहुत डन, पक्का 100%। तो सर पिक्चर समझ में आ रही है। अब सर कुछ केसेस आप समझा दो, प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स देखे तो मजा आ जाए बॉस, पिक्चर खत्म एकदम। ओके तो सर देखना ध्यान से इधर। देखना बच्चों, और मुझे आंसर आपसे चाहिए, हाँ दिल थाम के। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, और ये है ये भी क्या लिखा, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, यहां पर एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और यहां पे आपका आंसर चाहिए मुझे एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर गुड्स पर एक्साइज का रेट था 10%। कितना था सर? 10%। पर सर रिमूवल होने से पहले लॉ में अमेंडमेंट आया और रेट हो गई कितनी? 15%। बताओ क्या होगा? क्या होगा? 15%। परफेक्ट, क्लियर। पर सर आपका आंसर आधा आंसर था। पहले आपको ये चेक करना था एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन 10% था, तो आप लिख क्या हो? सिंस एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन गुड्स पे रेट 10% थी, इट मींस गुड्स वर एक्साइजेबल, और गुड्स एक्साइजेबल थे इसलिए एक्साइज लगेगा, पर एट द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल दैट इज 15%। इसलिए आंसर ये है। पक्का डन? आंसर सही तो था पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के नहीं आया। ओके सेकंड सर, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन गुड्स नॉन एक्साइजेबल थे। क्या थे? नॉन एक्साइजेबल, उस पर एक्साइज नहीं लगा था। और बिफोर रिमूवल, अच्छा गुड्स बना के आपने फैक्ट्री में रख दिया, अब थोड़े दिन बाद सेल होगा ना, ऐसा थोड़े गुड्स बनते ही सेल हो गया। तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन गुड्स नॉन एक्साइजेबल था, फिर जब उनको बेचा रिमूव किया तब लॉ में अमेंडमेंट आ गया उससे पहले, और गुड्स पे रेट लग गया कितना? 20% से एक्साइज लग गया उस पर। बताओ कितना एक्साइज पे करना है? साहब कोई एक्साइज पे नहीं करना है। क्यों? एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन गुड्स क्या थे? नॉन एक्साइजेबल, और गुड्स नॉन एक्साइजेबल अगर है तो इस पे एक्साइज लेवी नहीं होता है, क्योंकि एक्साइज लेवीड ओनली ऑन एक्साइजेबल गुड्स। क्लियर? मतलब इस पे एक्साइज लेवी नहीं हुआ, अब कलेक्शन बाद नहीं आएगी, बाद में कभी भी लेवी नहीं होता है। बोलो डन। ओके थर्ड केस, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन गुड्स पे रेट थी 30%। कितनी थी? 30%। पर सर बिफोर रिमूवल लॉ में अमेंडमेंट आया, लॉ में अमेंडमेंट आया और ये गुड्स को क्या कर दिया? एग्जम्प्ट कर दिया या निल रेट से चार्ज कर दिया। अब बताओ किस रेट से एक्साइज पे करना है? सर पहली बात लेवी हुआ है, यस सर हुआ है, क्योंकि गुड्स एक्सेसिबल थे। एट द टाइम ऑफ रिमूवल किस रेट से देखना है? रिमूवल टाइम पे जो रेट होगी उस रेट से टैक्स लगाना है। सर उस टाइम पे क्या था? गुड्स एग्जम्प्ट, मतलब एक्साइज नहीं लगेगा। बोलो यस, बात समझे? ओके नेक्स्ट केस, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर गुड्स वर एग्जम्प्ट। गुड्स क्या थे? एग्जम्प्ट। दिल थाम के बैठना, दिल थाम के जवाब चाहिए मेरे को, ध्यान से साहब। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर गुड्स एग्जम्प्ट थे, बट बिफोर रिमूवल एग्जम्प्शन विथड्रॉ हो गया और गुड्स पे रेट लग गया, गुड्स पे टैक्स लग गया कितना? 25%। बताओ क्या होगा साहब? नहीं लगेगा एक्साइज या लगेगा? अरे सर ध्यान से देखो, गुड्स कौन से थे? एग्जम्प्टेड गुड्स थे। कौन से थे? एग्जम्प्टेड। और सर
एग्जम्प्टेड गुड्स थे, इट मींस एक्साइजेबल थे. क्या थे? एक्साइजेबल. क्योंकि सर कोई भी गुड्स अगर एक्साइजेबल है तो ही तो एग्जम्प्ट होगा. क्लियर? मतलब एग्जम्प्टेड इट मींस एक्साइजेबल तो ही है. और एक्साइज कौन सी गुड्स पे लेवी होता है? एक्साइज इज लेवीड ऑन एक्साइजेबल गुड्स बॉस. और एग्जम्प्टेड गुड्स भी क्या होते हैं? एक्साइजेबल होते हैं. इट मींस एक्साइज लेवी हुआ है कि गुड्स वर एक्साइजेबल. एक्साइज लेवी हुआ है तो सर रेट कभी देखते हैं हम? एट द टाइम ऑफ रिमूवल. तो रेट क्या लगेगी? 25%. लग गई एसएससी के साहब, बैंड बज गई. यस सर. एसएससी बोलता है साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा. साहब मैंने जो फैक्ट्री लगाई थी तब गुड्स एग्जम्प्ट थे, मैंने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि साहब मैं गुड्स इतने बेचूंगा, कोई एक्साइज नहीं है. अब साहब रिमूवल के टाइम पे अमेंडमेंट आया, किस्मत खराब और रेट 25%. साहब बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा, बताओ ना क्या करूं? क्या करूं? क्या 25% टैक्स पे करूं? क्लियर? क्योंकि लेवी होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पर. उस टाइम पे गुड्स अगर एक्साइजेबल थे, क्या थे? एक्साइजेबल थे, तो एक्साइज लगेगा. और एट द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और 25% रेट से एक्साइज पे करना पड़ेगा. आपने प्रोडक्शन पर रेट देखी क्यों? आपकी गलती. प्रोडक्शन टाइम पे केवल आपको देखना था गुड्स एक्सेसिबल है या नहीं है. बोलो यस. बात समझे? यस सर. मान लो एक और केस, गुड्स पे रेट थी 35%, बट बिफोर रिमूवल लॉ में अमेंडमेंट आया और रेट होगी 10%. बताओ कितना पे करना है? 10. सुनना, बताए क्या हुआ? गुड्स पे रेट थी 35%. एसएससी को न्यूज आ गई कि मान लो जैसे आज है 1 जून, सर 1 जून है, मान लो सर एसएससी को न्यूज आ गई कि 15th ऑफ जून से इन गुड्स पे रेट कम होने वाली है, 10% होने वाली है. तो एसएससी ने क्या किया पता है? साहब जानबूझ के गुड्स बनाए, फैक्ट्री बंद नहीं करी, बनाए गुड्स, दबा दम बनाए साहब, पर एक भी नहीं बेचा. बना के फैक्ट्री में रखता गया, स्पेस नहीं है, फिर रखता गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता गया साहब, एक भी गुड्स नहीं बेची. जैसे ही 15 जून आया, रेट 10% हुई और सारे गुड्स बाहर. और वो बोलता है मैं तो 10% एक्साइज पे करूंगा. क्या एसएससी सही है? उसने जानबूझ के ऐसा किया. कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया है. बोलते हाँ मैंने तो जानबूझ के ऐसा किया है. बताओ क्या रेट से एक्साइज लगेगा? सर 10% रेट से लगेगा. क्यों? क्योंकि रिमूवल के टाइम पे रेट देखते हैं और रिमूवल टाइम पे रेट कितनी थी? 10%. सर दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, दिस इज नॉट टैक्स इवेजन. ओके, दिस इज टैक्स प्लानिंग. बात समझे? यस. ओके. क्यों साहब? पिछली बार जब एग्जाम था और यहाँ पे 25% था तो आपने कितना लिया? 25 लिया ना. अब तो नहीं बोले नहीं नहीं एग्जाम कर लो, अब आगे 30% 35% लेने. पागल समझाया क्या हमने? क्लियर? क्या लिखा? विच एवर इज हायर. बात करते हैं. क्लियर? 10% लगेगा. बोलो यस. पक्का? ओके सर. एक और केस ध्यान से. बेसिक एक्साइज ड्यूटी की रेट है 10%. मेरी लैंग्वेज भी ध्यान देना. स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है साहब, लेवी नहीं होता था. बट बिफोर रिमूवल बेसिक एक्साइज ड्यूटी की रेट 15% कर दी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी अभी भी नहीं है, तो बताओ क्या होगा? बेसिक एक्साइज ड्यूटी 15% और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, ना तो था ना लगेगा. बात खत्म. ओके सर. लास्ट पॉइंट है दिल थाम. बेसिक एक्साइज ड्यूटी की रेट कितनी है? मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना सर प्लीज. बेसिक एक्साइज ड्यूटी रेट कितनी है? 10%. स्पेशल एक्साइज ड्यूटी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर लेवी नहीं होता था साहब, केवल बेसिक लेवी होता था. बट बिफोर रिमूवल लॉ में अमेंडमेंट आया और बेसिक रेट कितनी हो गई? वो 10 ही है, कुछ नहीं हुआ. क्लियर? बट बिफोर रिमूवल उन गुड्स पे स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लेवी कर
कर दिया एट द रेट ऑफ 5%, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लेवी कर दिया एट द रेट ऑफ 5%। अब बताओ किस रेट से एक्साइज लगेगी। वापस रिपीट करता हूं, प्रोडक्शन के टाइम पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी था 10%, से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लेवी नहीं होता था, बट बिफोर रिमूवल बेसिक की रेट 10% ही है और स्पेशल लेवी कर दिया 5%, बताओ क्या होगा। अच्छा, बेसिक तो 10% रहेगा, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन क्या है साहब, स्पेशल का क्या होगा? नहीं लगेगा। क्यों? बेसिक एक्साइज हो या स्पेशल एक्साइज हो या वेरी वेरी स्पेशल एक्साइज हो, लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। उस टाइम पे सर केवल बेसिक लेवी हुआ था, स्पेशल लेवी नहीं हुआ था, इसलिए बेसिक ही चार्ज होगा, स्पेशल कैन नॉट बी लेविड आफ्टर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। पर हाँ है ना सर, दिस इज नॉट अ केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, दिस इज द केस ऑफ एडिशनल लेवी। देखो ऊपर वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे चेंज इन रेट था इसलिए मैंने नई रेट ली, यहाँ पे चेंज इन रेट नहीं है, दिस इज अ स्पेशल लेवी, एडिशनल लेवी एंड एवरी काइंड ऑफ लेवी वेदर इट्स बेसिक एक्साइज और स्पेशल एक्साइज, इट इज लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर एंड सीन्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ओनली बेसिक एक्साइज ड्यूटी लेवी हुआ था, इसलिए बेसिक ही लगेगा, स्पेशल अब नहीं लगेगा। बोलो डन सर। सर पिक्चर क्लियर है जी? अरे हाँ है ना, पक्का टैक्सेबल इवेंट समझ में आया आपको, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी समझ में आया आपको? अरे पक्के से समझ में आया क्या? यस सर पक्का। किस दिन की रेट लेनी है? क्लियर सर। कब लेवी होगा? क्लियर पक्का 100%। लेवी कब होगा समझ में आया? लायबिलिटी कब आती समझ में आया? पेमेंट कब आता है समझ में आया? सर किस दिन की रेट लेनी? क्लियर 100%। यस। तो ये पूरा फ्लो था सर कि लेवी कब होता है, लायबिलिटी कब आती है, पेमेंट कब करना है, किस रेट से पेमेंट करना है। पक्का 100% डन सर। एक पूरा लिंक था, शायद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है 100%। यस सर। तो रिपीट करता हूं मैं, लेवी होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे, उस टाइम पे गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल और लेवी हुआ है तो ही लायबिलिटी की बात आएगी। कब आएगी? एट द टाइम ऑफ रिमूवल बात आएगी और उस टाइम पे जो रेट होगी उस रेट से लायबिलिटी आएगी। क्लियर। और जो लायबिलिटी है वो आपको पेमेंट करना है अगले महीने की 6 तारीख तक। बोलो यस डन। ओके सर। तो सर पिक्चर क्लियर है? एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेवी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। तो सर अब समझ में आ रही पिक्चर आपको धीरे धीरे। क्लियर। अच्छा यार ये कहां लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगा, एक्साइज ड्यूटी लेवी होगा ऑन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर? कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज लेवी होगा, इसलिए उस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम? चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं हम? चार्जिंग सेक्शन। क्योंकि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि ये काम करने पर एक्साइज चार्ज होगा। क्लियर। इसलिए जिस सेक्शन में टैक्स के चार्जेबिलिटी की बात करते हैं उस सेक्शन क्या बोलते हैं हम? चार्जिंग सेक्शन। सो चार्जिंग सेक्शन अंडर एक्साइज इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। वो बोलता है क्या? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज पर रेट्स गिवन इन शेड्यूल 1 एंड और शेड्यूल 2 ऑफ सीटा। बोलो यस डन। पक्का पक्का 100% यस सर। अब साहब वापस ऑपरेशन की बात करें हम, तो देखना तो ध्यान से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी कब होगा? लेवी कब होगा? ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड। सर कब लेवी होगा? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। तो सर अब मेरा अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका?
भी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। सर ये क्या होता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर? तो पॉइंट ये है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर? अब हम बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे किसका, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर का। पॉइंट इज दैट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। क्लियर? बात करते हैं ब्रेक के बाद।